मिलियन डॉलर पर बिटकॉइन की प्राइस पहुंच सकती है इनफॉर्मेशन आपके पास आ रही तब तक तो सब लोग पोजीशन लेके बैठे हैं उसके हिसाब से 54 पीपल ऑन ऑन प्लेटफॉर्म आर इन प्रॉफिट तो अगर आप ट्रेडिंग में पैसा कमा रहे हो समी अदर साइड इज लूजिंग मनी बट क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या होता है वैसा नहीं होता इफ यू टू मेक मनी इन मार्केट फॉलो द मनी ब्लॉक पावर अगले बीस साल में अनलॉक होगी पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो पूरा ब्लॉक के ऊपर बनेगा अगर इस पॉडकास्ट को मोदी जी देख रहे हैं आप उनको क्या कहना चाहोगे हेलो सुमित भाई क्या हाल चाल बढ़िया हाल चाल ऑल गुड सीधा मैं सवाल पे आ जाता हूँ कितने बिटकॉइन आप होल्ड करके रखे अभी <laughs> वो नहीं बता सकता मैं <laughs> बताने भी नहीं चाहिए किसी को <laughs> बट हाँ इतने हैं कि रिटायरमेंट वगैरह आराम से कभी भी ले सकते हैं तो अभी फाइनेंशियल रीजन के वजह से काम नहीं करता तो मज़ा आता है इसलिए मज़ा आता है इसलिए करते हैं और बिटकॉइन काफी पहले इन्वेस्ट कर रखे थे दो हजार में पहली बार चालू किया था तब तो, तो काफी आठ साल हो गए तब से लिए और हार्डली कब मतलब हमेशा खरीदा ही है कभी बेचा नहीं है okay. बिटकॉइन नहीं, नहीं नहीं बेचे नहीं जरूरत ही नहीं पड़ी टोटर जरूरत ही नहीं पड़ी बेचने की अब हम यहाँ तक तो पहुंच गए कि आपके पास बिटकॉइन कितने हैं वो तो बताए नहीं बट हाँ. काफी हैं तो ये जर्नी आसान तो रही नहीं होगी और छोटी भी नहीं रही होगी तो ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई देखिए मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ मैं एम में एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ और आ, वहाँ पे ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ होती नहीं थी तो कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि कभी बिजनेस करेंगे कभी आ, ऐसा मौका लगेगा खुद की कंपनियों का भी सोचा भी नहीं था और आ, आ, हमेशा फाइनेंशियली उतना होता है कभी आ, इतना कभी बड़ी एस्पिरेशन थी नहीं तो मेहनत हमेशा आ, वो रही है खून में कि यार मेहनत करते हैं क्योंकि वो एक शॉर्टकट होता है जरिया होता है कि गांव से आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो मेहनत के उस पर कर सकते हो रिसोर्सेज वगैरह का अभाव होता है थोड़ा सा तो आ, वो था फिर बचपन में पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छे से करते थे सिंसियरली करते थे तो तो अपने वो मेरे तो बॉम्बे बता दिया बट उसके, हाँ, उसके पहले की जर्नी में काफी मेहनत करी थी फिर उसके बाद तो आई बॉम्बे गए अब वहां पे कभी वहां पर तो सारे टॉपर्स लोग सारे एक से एक धुरंधर लोग लोग काफी बार पूछते हैं कि आई ने क्या वैल्यूएट करा Uh, मुझे जो रियलाइज हुआ कि आई में जो पढ़ा मुझे तो याद नहीं है ऑनेस्टली uh, hmm. हाँ क्या मतलब पढ़ाई वगैरह में क्या पड़ा है वो याद नहीं है और ना कभी अभी काम आ रहा है बट वो जो hmm. दो चीज़ें काम आ रही है एक तो जो दोस्त बनाए वहाँ पे hmm. वो आज कुछ दोस्त मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत अच्छे पोजिशन पे हैं तो एक तो उनके साथ जो दोस्ती करके उनका जो नजरिया बिकॉज मेरा बीस साल का एक्सपीरियंस और वो ऐसे सौ लोगों का बीस बीस साल का एक्सपीरियंस का निचोड़ आपको मिला है तो यू हैव लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट और दूसरी चीज बड़ा सोचने की अहमियत विजन विजन लेकर क्योंकि यार जो सीनियर्स थे वो लोगों ने मचा रखा था लाइफ में एक नए कंपनी अब ओला के फाउंडर वो भी सेम कॉलेज के हैं तो मतलब उसमें क्या होता है जैसे आप बड़ा सोच सकते हो क्योंकि आपको पता होता है जैसे ट्रेडिंग में ना सपोर्ट होता है कि यार इससे नीचे तो शेयर जाएगा ही नहीं तो सिमिलरली आपको पता है यार कुछ भी हो जाए इससे नीचे तो मैं नहीं पचास हजार रुपये महीने तो कमाई लूंगा तो आपको पता होता है फिर आप रिस्क ले सकते हो क्योंकि देन एवरीथिंग एल्स इज अपसाइड फॉर यू अच्छा ये हो गई आईआईटी की बात इसके बाद आपने जॉब किया होगा हाँ इसके बाद मैंने सोनी में जॉब किया तो कॉलेज से ही प्लान था कि यार मैं स्टार्टअप करूँगा खुद की कंपनी बिकॉज मेरे को बिल्ड करना काफी पसंद है तो uh, वो प्लान में था बट ऑब्वियसली घर वालों को थोड़ा वो एक मेरे को पर्सनल रन भी चाहिए होता है तो जैसे स्टार्टअप के पास दो साल तीन साल पाँच साल का रनवे होता है सेविंग्स होती है ऐसे मुझे भी चाहिए था बैकअप कैपिटल बैक होना चाहिए नहीं तो आपने जॉब छोड़ दी वापस आया तो ये दिमाग में नहीं आना चाहिए अगले महीने का पैसा कहाँ से आएगा तो वो जरूरी भी है फाइनेंशियल बैकिंग अब वो फैमिली साइड से उतना था नहीं तो फिर जॉब करना जरूरी था तो मैंने कॉलेज के बाद जॉब के मेरे पास प्री प्लेसमेंट ऑफर था थर्ड ईयर में मिल गया था कॉलेज में तो फिर सोनी में मैंने जॉब की तो जॉब की और सोनी काफी मेरे को मैं उसके पहले जा चुका था थर्ड ईयर में तो मुझे जापान का कल्चर काफ़ी रिच लगा काफी इंटरेस्टिंग लगा डेढ़ साल वहाँ पे काम किया और मैं काफ़ी टेक्निकल जॉब प्रोफाइल थी मेरी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो कोडिंग करता था वहाँ पे सोनी uh, के जो कैमरास होते थे उसमें कोडिंग करता था तो मैं काफ़ी टेक्निकल बैकग्राउंड से uh, uh, आता हूँ और uh, वहाँ से मेरी फर्स्ट प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत हुई टोक्यो में था मैं तो अच्छा इस सब के बीच में फिर बिटकॉइन कहाँ से आ गया तो जब मैं सोनी में था ना तो ऑब्वियसली जापानीज आती है वहाँ पे सोनी में क्या थोड़ा पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है वहाँ पे बर्थ रेट नेगेटिव है हुँ, है ना हुँ, और वहाँ हुँ, पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है तो वहाँ पे लोग देखते रहते हैं कि यार कहाँ से हम हायर करें लोगों को मेहनती लोगों को और इंडियंस तो जनरली हसल भरपूर होते हैं तो उनको मेहनत करने की वो नहीं होती फुल जज्बा तो वो देखते हैं कि यार कहाँ से हम लोग बाकी कंट्रीज से आ, अगर जॉब वगैरह ऑफर कर सकते हैं और टैलेंट टैलेंट हाँ क्योंकि वो एक तरीका है वो एवरेज एज तो काफ़ी अभी ज़्यादा है वहाँ पे तो ओल्ड पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है जापान में तो अपॉर्चुनिटीज भरपूर थी तो जब मैं सोनी में था तो मेरे वो काफ़ी मेल्स आते रहते थे तो एक कंपनी थी जो बिटकॉइन माइनिंग वगैरह करती थी है ना तो उसने मेल किया था तो मैंने पहली बार बिटकॉइन का नाम वहाँ सुना दो हज़ार की बात है और आ, पर कभी ध्यान नहीं दिया वन ऑफ द बिगेस्ट इगरेट्स ऑफ लाइफ कभी ध्यान नहीं दिया अगर पढ़ लिया होता उस टाइम पर थोड़ा बहुत तो शायद और <laughs> पहले कर देता <laughs> मैं बट कभी ध्यान नहीं दिया तो आ, उसके बाद फिर वापस से जब मैं जॉब छोड़ के आया तो जब मेरे पास सेविंग्स हो गई तो मैंने hmm. कहा मैं जॉब छोड़ के इंडिया चलता हूँ वापस तो मैं फिर जॉब छोड़ के इंडिया आया पता नहीं था क्या करूंगा हैड नो आइडिया तो जब इंडिया आया फिर दोस्तों से मिला तो एक डेढ़ साल बाद दोस्त मिले और फिर बिटकॉइन का नाम सुना फिर अंदर गया फिर वो काफी आठ दस लोग बैठ के जो इस स्पेस को फॉलो करते थे मुझे अच्छे से याद है मैं बैंगलोर में था उस टाइम पे 2016 की बात है 16-17 की सारे टेक वाले लोग सारे आईआईटी के मेरे दोस्त वगैरह जो सब बैंगलोर में जॉब्स करते हैं बात करें दुनिया में क्या चल रहा है कोई ना कोई टॉपिक उठे हाँ हाँ तो हमारे टॉपिक निकलते थे वो काफी इंटेंस होते थे आठ बजे से चालू होंगे और तीन बजे तक चल रहा है डिस्कशन तो उसमें कई बार बिटकॉइन डिस्कस होता था और जब वो डिस्कस होता था तो उसके पहले मैं भी काफ़ी स्केप्टिकल था मैंने कहा है ऐसी कोई चीज़ होगी और जब उसके अंदर गया फिर मैंने डिस्कशन के बाद मुझे पता है यार ये टॉपिक तो डिस्कशन चलने वाला है mm -hmm. तो मैं पढ़ता रहता था काफ़ी तो घंटों घंटों पढ़ते रहता था तो मुझे पता चला ब्रो दिस इज़ फिनोमिनल दिस इज़ वन टेक्नोलॉजी दैट आई डोंट वॉन्ट टू मिस आउट ऑन एंड इट इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल समथिंग दैट जो दुनिया में कभी आई नहीं है पहली पहली चीज़ और वो रेवोल्यूशनरी टाइप लगी मुझे मैंने कहा यार ये वाह यार क्या बढ़िया चीज़ निकाली है और ये टेक्नोलॉजी की सोल्यूशन और ये पता है कि यार फ्यूचर टेक्नोलॉजी है फ्यूचर टेक्नोलॉजी है और ये पूरा टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है ब्लॉक तो ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा बिटकॉइन का वाइट पेपर पढ़ा रियलाइजेशन होती है फिर रियलाइजेशन होती है कि यार ये तो फिर क्या करा जाए है ना तो फिर आपको ऑब्वियसली फिर स्टोर ऑफ वैल्यू कॉन्सेप्ट होता है कि यार आपका पैसा ऐसी जगह जाना चाहिए जहां आप वैल्यू स्टोर कर पाओ ठीक hmm. है तो पुराने जमाने में गोल्ड में स्टोर करते थे है ना आप गोल्ड भी काफी महंगा हो चुका है और फिर स्टोर ऑफ वैल्यू की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं स्टोर ऑफ वैल्यू वो होता है जो कि सौ 100 साल हजार साल पांच साल चलता रहे गोल्ड क्यों सेलेक्ट किया फिर मैं अपने सवाल पूछता था कि यार गोल्ड इतना महंगा क्यों है hmm. आयरन क्यों नहीं है hmm. ब्रॉन्ज क्यों नहीं है है ना बाकी चीजें इतनी महंगी क्यों नहीं होती सिल्वर क्यों नहीं है वो इतना तेजी से क्यों भागा क्योंकि पहले तो सब बराबर ही थे ना फिर प्रॉपर्टीज क्या है ठीक है कि लंबा चलना चाहिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए गोल्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है है ना ड्यूरेबल uh, होना आप डिवाइड कर सकते हो उसको जितने पार्ट में आप सिक्के बना सकते हो आप बड़ी चीजें बना सकते हो तो लोग अपना पैसा पुराने जमाने लेकर मेरे दादा वगैरह दादी लोग गोल्ड रखते थे गोल्ड ही सेविंग इंस्ट्रूमेंट था म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट तो नहीं करते थे गोल्ड ही सेविंग इंस्ट्रूमेंट था तो फिर लगा यार कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं जो गोल्ड में है उससे कहीं ज्यादा बेटर तो बिटकॉइन में है है ना क्यों क्योंकि गोल्ड तो गोल्ड इसलिए चलता है क्योंकि लिमिटेड सप्लाई होती है है ना मतलब आप ऐसा मानते हैं ऐसा मानते हैं आप यू कांट क्रिएट गोल्ड आउट ऑफ थिन एयर है ना बट गोल्ड पानी के अंदर भी मिल सकता है क्या पता एक शिप के अंदर मतलब हजार टन सोना मिल जाए या फिर दुण आप आजकल तो लोग स्पेस में ट्रैवल करने लगे क्या पता है दूसरे प्लेनेट में कहीं मिल जाए हाँ बट स्टिल लिमिटेड सप्लाई होती है बट बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जो हार्ड एसेट है जिसकी सप्लाई इक्कीस मिलियन ही हो सकती है

Arenas में अलग अलग इंडस्ट्रीज में hmm. आ, वो देखने को मिलेगी और आ, उसके इक्वेलेंट बनते जाएंगे है ना मे बी इन फ्यूचर जो शेयर मार्केट है वो शेयर मार्केट आ, जैसे अभी डी मैट में होता है वो hmm. ब्लॉकचेन पे आ जाए बिकॉज ब्लॉकचेन चेन में देख तो पा रहा हूँ शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है hmm. काफी hmm. ट्रांसपेरेंट है काफी ओपन है पता है किसके पास कितने शेयर है सब कंपनी की ट्रांसपेरेंसी है हाँ हाँ हा, बिल्कुल आप देख सकते हो आप जैसे शेयर कोई कंपनी है उसकी कैपिबल में कौन सा इन्वेस्टर है क्या है नहीं पता चलता वो शेयर शेयर होल्डर एग्रीमेंट के अंदर होता है

लोग समझते थे अरे बिटकॉइन है हमें नहीं पता क्या होता है छोड़ो बट आज वो रिग्रेट, रिग्रेट करते हैं कि यार उस टाइम पे पढ़ लिया होता पढ़ लिया होता तो आज उनको समझ में आता समय से आगे होते अच्छा जब पहला बिटकॉइन लिया था जी तो बिटकॉइन की प्राइस क्या थी जब मैंने पहला बिटकॉइन लिया था तो मुझे याद है रफली प्राइस एक लाख तीस हजार रुपये के आसपास थी और क्योंकि मैं पढ़ता रहता था फिर मैंने पूरा पढ़ने के बाद इन्वेस्ट किया ऐसे नहीं कि मतलब जाने हाँ टेनिक्स हो जाएगा चार लोगों ने बोल दिया कि इन्वेस्ट कर दो नहीं पढ़ा समझा कन्विंस हुआ ख़ुद से और फिर बिटकॉइन में पैसे डाला जब मैंने डाला था तब एक लाख तीस हज़ार बिटकॉइन की प्राइस थी चार हज़ार पाँच सौ पाँच हज़ार रुपये इथेरियम चल रहा था और तीन रुपये दो या तीन रुपये रिपल चल रहा था तो चल रहा हाँ दो या तीन रुपये ऐसा कुछ चल रहा था तो मैंने उस टाइम पर डाला था और तब से डालते आ रहा हूँ मतलब इन्वेस्ट करते आ रहा हूँ मैं आज भी इन्वेस्ट करता हूँ मुझे याद है जब मैंने बिटकॉइन के बारे में पहली बार सुना था तो बिटकॉइन कुछ 300-400 डॉलर का था हाँ जी और उस वक्त फिर वो एक रैनसम वेयर करके वायरस आया था दुनिया में फैल हाँ। गया था और वो हर किसी से बिटकॉइन मांग रहा था हाँ। वहां से पता नहीं रैनसम वेयर के बारे वजह से है या वहां से अगर आप देखो तो बुलरन भी हमारा शुरू होता हुआ दिखाई देता है 2017 हजार से अठारह का जो बुलरन का वो भी वहां से शुरू होता हुआ हमें दिखाई दे रहा था 300 डॉलर की चीज अचानक मुझे हजार डॉलर पे जाती हुई देखने को मिली और उसके बारे में बार 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 पढ़ रहा था या इधर उधर से मुझे जानकारी मिल रही थी बट वो जो एक किक पॉइंट होता है ना जहाँ से आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो वो नहीं मिल रही थी जैसे ही मैंने देखा मेरे दोस्त ने तीन चार दिन पहले 300 400 डॉलर का बिटकॉइन लिया और चार पांच दिन में ही हजार डॉलर का हो गया था वो मैंने बोला ये क्या है अब देखना पड़ेगा फिर पहली बार मैंने पैसे लगे काफी लोग काफी लोग बिटकॉइन प्राइस के मूवमेंट देख के आते हैं हाँ, है ना हाँ, आ, हाँ, हम भी उन्हीं हाँ, सारे लोग मतलब देखते वहीं से हैं मतलब मैंने भी काफी बिटकॉइन की की शुरुआत तब काफी करा था मैं वो भी बताता हूँ कैलकुलेशन काफी करते हैं कि यार अगर गोल्ड एक स्टोर ऑफ वैल्यू है ना गोल्ड का मार्केट कैप कितना है अभी 17 ट्रिलियन डॉलर 17 ट्रिलियन डॉलर काउजेंड रुपीज पर ग्राम शायद ऐसा कुछ है तो पर uh, ग्राम yes, है ना तो सेवेंटीन ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप है गोल्ड का है ना और इट इज प्रडिक्टेड दैट बिटकॉइन बिकॉज इट इज अ बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू बिटकॉइन विल सरपास मार्केट कैप ऑफ गोल्ड अब ये चीज दो तीन पांच साल दस साल में तो होती नहीं है है ना ये दशकों लग जाते हैं उसको दस hmm. साल बीस साल तीस साल जितना भी टाइम लग लंबे टाइम है और मतलब वो व्यू लेके चलना चाहिए hmm. अगर ये ऐसा होता है है ना तो लोग बोलते हैं कि यार अच्छा बिटकॉइन कहां तक जा सकता है तो वो कैलकुलेशन क्योंकि काफी लोगों इंटरेस्ट होता है कि यार, तो हो गया इट्स स्टिल अर्ली राइट क्योंकि अगर बिटकॉइन गोल्ड के मार्केट कैप के बराबर पहुंचता है इज ट्रिलियन डॉलर तो सेवनटीन ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप डिवाइडेड बाई दिस सर्कुलेशन बिटकॉइन सप्लाई विच इज वट नाइनटीन मिलियन नाइनटीन मिलियन है उसमें से तीन चार मिलियन हो गए लोगों के बट फिर भी आप simplicity के लिए सत्रह भी मान लो तो एक मिलियन डॉलर पर बिटकॉइन की प्राइस पहुंच सकती है उस टाइम पे जब बिटकॉइन गोल्ड के मार्केट कैप को ब्रीच कर जाएगा है ना अब उसमें दस साल बीस साल तीस साल चालीस साल कितना भी लग सकता है नो बडी नोस बट उतना अपसाइड पोटेंशियल है अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन एक बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू है और अगर गवर्नमेंट्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग बिटकॉइन अभी काफ़ी कंट्रीज में चल रहा है इनफैक्ट uh, यूएस में uh, भी डिस्कशन आया था कि यूएस की यूएस uh, गवर्नमेंट वॉल ऑलसो स्टार्ट होल्डिंग बिटकॉइन एंड ट्रेजरी माइक्रोस्ट्रेटेजी कंपनी है सारे ए वगैरह सब तो कर ही रहे ना होल्ड बट अभी हाँ काफी अर्ली डेज है काफ़ी और ये टेक्नोलॉजीज को शेप होने में सालों साल लग जाते हैं तो वो एक पर्सपेक्टिव लेकर चलना चाहिए आपने जो हजार डॉलर देखा वो पहले कुछ भी नहीं था तब वो हॉबी थी कुछ लोगों के लिए बट तब से लेके आज तक कितना अंतर है तब उस टाइम पे बिट ब्लॉक ब्लैक रॉक वगैरह आ सकता था नहीं लाइक तब वो प्राइस था बट आज जो तो उसको मजाक मानते थे वो तब तो लोग मजाक मानते थे और तभी उसका प्राइस उसमें था राइट तब रिस्क बहुत ज्यादा थी आज धीरे धीरे रिस्क कम होती जा रही है बिकॉज लोगों ने उस पर कॉन्फिडेंस दिखाया है तो कहने का मतलब यह है कि इसको ये डिस्काउंट नहीं करना चाहिए अरे अब तो हो गया चलो ठीक है मतलब आ, आ, आप स्टिल लाइक टॉप ऑफ़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन में हो जिनको बिटकॉइन के बारे में पता तो है पता तो है तो वो जानना जरूरी है और आप टॉप वन टॉप टू पर हाँ इन्वेस्ट किया तो आप स्टिल टू अर्ली स्टिल टू अर्ली राइट एंड एक तो वो है और दूसरा आ, मेरे को वो स्टोरी याद आती है कि जब आपने पूछा था ना कि मेरा वो पहला वो क्या था मैं ट्रेडिंग में कैसे घुसा बिटकॉइन की तो 2016 की बात है नीरज जो मेरा को फाउंडर है हम दोनों बैठे थे और मैं उस टाइम बैंगलोर में था और आर्बिट्राज मुझे कोई आइडिया नहीं था आर्बिट्राज क्या होता है आई हैड नो आइडिया बट इंडिया में मार्केट काफ़ी इनफिशियंट थे है ना क्रिप्टो में बिटकॉइन में मार्केट एफिशियंट थे नहीं

2016-17 की बात है तो मैंने बीस हज़ार रुपये का यहाँ पे लिया बीस इक्कीस हज़ार रुपये का और पच्चीस हज़ार रुपये बेच दिया आ, इंडिया में वहाँ से खरीद के यहाँ पे बेच दिया था मैंने कहा यार ये तो बन गया फिर उसने बोला वो वो टैकी है तो उसने बोला अरे इसको बार बार करते हैं ना <laughs> <laughs> मेरे को और बार मैंने कहा यार भाई स्क्रिप्ट लिख दे तो आर्बिटाज स्क्रिप्ट लिखी स्क्रिप्ट लिखी तो वो बनते गया मैंने कहा यार ये ठीक है जब वो किया तो फिर पता चला यार मैंने कहा ये तो काफ़ी इनफिशेंट मार्केट है

85,000 डॉलर 90,000 थाउजेंड में लेते थे और अगर हमें इमिजिएटली बेचना भी हो तो सेवेंटी थाउजेंड डॉलर में बेचना पड़ता रुपीज में सॉरी हाँ, रुपीज हाँ, हाँ, में बेचना पड़ता एट्टी फाइव थाउजेंड और सेवेंटी फाइव थाउजेंड बोला ना इसमें स्प्रेड है दस हजार मतलब बारह परसेंट का स्प्रेड है किसी भी मार्केट में बारह परसेंट का स्प्रेड नहीं होना चाहिए तो जब हमने चालू किया था तब वो स्प्रेड पांच से सात परसेंट का होता था और जब आप करते हो तब किसी ने ऑर्डर बुक एक्सचेंज नहीं बनाया था कि बेड और आस्क होती है सारे दिखती तो है हाँ बस लाइक मार्केट like, पे बाय करो सेल करो और सिंपल इंटरफेस होता था मैंने कह रही मार्केट तो काफी राइट फॉर डिस्कशन है बड़ा होने वाला है तो फिर हम लोगों ने फिर एक्सचेंज का आइडिया आया कि यार एक्सचेंज से चालू करते हैं और ये स्पेस के अंदर रहना है ये स्पेस के अंदर है ना बिकॉज ये स्पेस तो भाई बड़ा होने वाला है ये दिस इज गोइंग टू डिसरप्ट द ट्रेडिशनल फाइनेंस बिकॉज ट्रेडिशनल फाइनेंस में यार तीस साल हो गए वही सेम कोड चल रहा है सेम सिस्टम से कोई इनोवेशन हुआ ही नहीं है लेगेसी आर्किटेक्चर बने हुए हैं तो अब कुछ नया आएगा आज भी अगर इंडिया से बाहर पैसा भेजना है तो चार बार सोचना पड़ता है कैसे करना है क्या होगा हाँ इंडिया में इन्फॉर्मेशन आपको किसी को मेल करना है दुनिया में आप भेज सकते हो किसी को भी तो जो इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर तो सीमलेस हो चुका है दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने में पर वैल्यू ट्रांसफर जिससे इकोनॉमी चलती है वो आज भी फटा पड़ा सिस्टम है फटा हुआ है नहीं भेज सकते मुझे अगर अपने किसी दोस्त को अमेरिका में पैसे भेजना है तो एक तो मैं

है 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 ना तो एफिशिएंट 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 नहीं है नहीं वो। नहीं बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है वैल्यू जो ट्रांसफर होना है ना वो डिजिटल हो रहा है यूपीआई एक्चुअल में कन्वीनियंस और एफिशिएंट थी लोगों ने कितना जल्दी अडॉप्ट किया कितना जल्दी अडॉप्ट किया तो इज मोस्ट एफिशियंट दुनिया उसको अडॉप्ट करना ही करना है हंड्रेड परसेंट तो इन द करेंट ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम

Hmm. ज्यादा एफिशियट है और वो धीरे धीरे हो रहा है ऑब्वियसली फाइनेंशियल है तो थोड़ा वैसा टॉपिक है बट इसका जो अर्ली साइंस है वो हो रहा है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर किसी को कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ करना है तो ब्लॉकचेन की पावर को यूज करके आप डिस्क्रप्शन जेनुअनली ला सकते हो hmm. ब्लॉक चेन की पावर यूज करके तो फाइनेंशियल सिस्टम अगला मतलब शेयर मार्केट है शेयर मार्केट में एक ही शेयर खरीद सकता हूँ एच बैंक का आधा नहीं खरीद सकता हूँ नहीं खरीद सकते शेयर्स नहीं बट नहीं ब्लॉकचेन में आप फ्रैक्शनल कर सकते हो देख लो बिटकॉइन फ्रैक्शनली खरीदता हूं मैं थे पॉइंट जीरो जीरो वन खरीदता हूँ तो वो आंसर सॉल्व हो गया आजकल मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं सेटलमेंट कितना हो हुँ। 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 होता है टी प्लस वन हो चुका है शायद पहले टी प्लस टू था राइट ब्लॉक चेन पे इंस्टेंट सेटलमेंट होता है इंस्टेंट अभी खरीदा अभी सेटल हुआ आई कैन यूज इट इमीडिएटली सात घंटे क्यों चलता है भाई फाइनेंशियल सवा नौ बजे से साढ़े तीन तक मार्केट क्यों चलता है मुझे रात को बारह बजे बेचना है तो हाँ और यूएस में कुछ हो गया hmm. अब मुझे मार्केट hmm. बेचना hmm. है फिर वो नौ पंद्रह फिर वो प्री मार्केट वो सब कॉम्प्लिकेशन केट इज मैं आज बेचूंगा तो आज मुझे उसका एट्टी परसेंट ही कैश मिलेगा टी प्लस वन के बाद यूज करता हूँ राइट तो ये सारे इनफिशियंट मार्केट है ब्लॉक चेन एफिशियंट करता है सारे ब्लॉक का आप भी देख लो ना सब हाईली एफिशियंट तरीके चलता है हमारा प्लेटफॉर्म में चौबीस घंटे चलता है mm -hmm. मेंटेनेंस वगैरह क्यों जरूरत है मतलब वो लोगों को फ्... मार्केट फ्री होना चाहिए ओपन mm -hmm. मार्केट होना चाहिए तब जाके सही प्राइस डिस्कवरी होती है जितना ओपन होगा तब उतना सही प्राइस डिस्कवरी होगा तो इवेंचुअली तो ये ट्रेंड है ही ना राइट इसी तरीके से आइडियली मार्केट चलना चाहिए अगर आप पुराना बैगेज हटा दो आग mm -hmm. बंद करो और सोचो कि आइडियली मार्केट कैसे चलना चाहिए मार्केट वैसे ही चलेगा जैसे आज के आज के टाइम पे ब्लॉकचेन के ऊपर मार्केट चलते हैं बट इसी के साथ अगर चीज़ें डिसेंट्रलाइज होंगी तो ऑब्वियसली जो सेंट्रलाइज्ड के अंदर जो लोग पावर होल्ड करते हैं उन्हें तो पसंद नहीं आएगी ये चीज़ें तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी देखो डिसरप्शन uh, में ना हमेशा पुशबैक होता है हमेशा पुश बैक आता है और uh, लोग पहले मना करते हैं ठीक है फिर धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ एक्चुअली ये बेटर है

वो उनके उनके पास उनका एडवाइस है और उसके बाद उन्होंने किया, किया होगा ना राइट mm. right? ये, mm. ये तो बट हाँ हाँ. उनको दिख रहा होगा ना कि समय के साथ नहीं बदले तो पीछे रह जाएंगे अडॉप्ट हाँ, और गेट एसरप्टेड कोई सम करेगा हाँ दुनिया तो चलती रहेगी अपने आप कितना भी मना कर लो दुनिया को जिस तरफ है और दुनिया एफिशियंसी की तरफ जाती है वो तो जाती ही रहेगी तो धीरे धीरे मेरे को लगता है और लोग भी आएंगे मतलब आने वाले कुछ सालों में इंस्टीट्यूशंस हैं फैमिली ऑफिस तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन हमें दिखता है वो तो हाँ वो धीरे धीरे आ रहे हैं बट वही है उसका अडॉप्शन अभी काफ़ी बाकी है और धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में आ, वील सी और धीरे धीरे जो आप बता रहे थे uh, एक बहुत बड़ा प्ले करते हैं तो जब मैं नया नया इस इंडस्ट्री में आया था 2016-17 में तब रेगुलेशन का तो मतलब कोई खबर तो, भी नहीं लगती क्या कुछ नामो निशानी नहीं था कि रेगुलेशन हो भी सकता है गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, नहीं था मतलब बट तब से लेके आज देखो आप आज गवर्नमेंट बोलती है कि यार ये प्रॉपर नॉन सेक्टर है इंडिया में तीस मिलियन लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं इस एसेट क्लास में और गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात कर रही है यूएस में बात कर रही है बाकी कंट्रीज में हो चुके हैं बहुत सारी कंट्रीज ने रेगुलेट कर दिया है यूरोप में हम रेगुलेशंस आने वाले हैं तो ये सब ही फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस होती है एक्सेप्टेंस है ना और वो हो ही रहा है ना मतलब ये तो गौर, इंडियन गवर्नमेंट ने भी बोला है कि जो दुनिया करेगी हम अपनी रेगुलेशंस दुनिया जो करेगी बिकॉज ये ग्लोबल एसेट क्लास है वैसे ही हमें अलाइन करने पड़ेंगे अब अगर यूएस में यूरोप में सब जगह रेगुलेशन आ रही है तो इंडिया में भी आएगी ना जी ट्वेंटी में ऑलरेडी पेपर आ चुका जी ट्वेंटी में पेपर आ, आ चुका US है चुए में क्रिप्टो एक बड़ा टॉपिक चल रहा है यस 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 तो ये मैं वही बोल रहा हूँ कोई हल्के में लेने वाली चीज नहीं है ठीक hmm. है आप इन्वेस्ट करना है करो नहीं करना है मत करो डजेंट मैटर बट आप इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप इसको समझो पढ़ो लिखो आप हमेशा समय से आगे रहोगे और उसके बाद आपको लगता है इंटरेस्ट आ रहा है या ये बड़ा हो सकता है राइट right? और ये जर्नी है एक बार में नहीं होता धीरे धीरे पढ़ते हो आपको इंटरेस्ट आता है फिर आ... पहले तो दिमाग घूम जाता ये है ये क्या है 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 ये भी भी है ये ये क्या 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 मेरा भी 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 सब लोगों को घूमता कि यार ऐसी चीज हो हो सकती सकता मतलब सच में या सिर्फ बातें हैं हाँ। फिर देखते हैं कि नहीं हो रहा है तो ये चीज मैं अपने ऑडियंस को भी कई बार कहता हूँ हमारे लाइव स्ट्रीम्स में कि दो तरह के लोग होते हैं एक जो समय रहते डिसीजन ले लेते हैं और सही चीज पे चढ़ जाते हैं वो आगे जाकर रिग्रेट नहीं करते वो अपनी सक्सेस की स्टोरी सुनाते हैं और दूसरे लोग जो समय जब होता है तब उस चीज को इग्नोर करते हैं या स्केप्टिसिज्म में रहते हैं क्रिटिसाइज करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं तो हमें किस साइड होना है वो हमारा माइंडसेट डिसाइड करता है कि हम चीजों को पॉजिटिवली देखते हैं एक्सेप्ट करते हैं या फिर हम सिर्फ नेगेटिवली देखते हैं मजाक उड़ाते हैं या स्कैम बोल के आगे बढ़ जाते हैं और बाद में पता चलता है अरे यार वो तो उस टाइम देखा था मैंने तो वो हमें डिसाइड करना होगा कि हमें किस साइड रहना है यार क्रिप्टो जिस साइड में जा रहा है उसे देखकर तो मुझे ये जरूर मतलब मुझे तो कॉन्फिडेंस है कम से कम कि आज जो इसके बारे में कम से कम नहीं जानेगा वो अगले आठ से दस साल में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेगा हाँ मतलब एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से हो गया बट उसके अलावा आई थिंक जानना बहुत जरूरी है बिकॉज ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट बनने वाला है जैसे इंटरनेट एक इंटीग्रल पार्ट है ना हमारी जिंदगी का आज हर चीज़ इंटरनेट से होती है सिमिलरली भले ही आप उसको रियलाइज करो ना करो इवेंचुअली सारे सिस्टम्स ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे और आ, आप उससे इंटरेक्ट करोगे तो अगर आप उसको जल्दी सीख लेते हो पढ़ लेते हो आप आ, उसके बारे में जानते हो तो हमेशा सक्सेस के चांसेस बेटर होते हैं hmm. और वो ऐसे ही होता है कि मुझे भी किसी ने बताया था 2016-17 में बताया था पहले मैंने दो बार मना किया इग्नोर किया बट फिर जब पढ़ा तब देखो तब 2016-17 में मैं क्या सोचता था क्या ज़िंदगी थी और अभी मैं अभी तो मतलब वो एक अंतर कहाँ से आया किसी ने मुझे सिखाया किसी ने मुझे बताया, बताया मैंने अपना दिमाग खोला तो जिंदगी मुझे यहाँ पे लेके आई तो सिमिलर कई बार एडवांटेज हो जाता है कि आपके पास कोई ऐसा हो जो आप नहीं पढ़ना सुनना चाहते फिर भी जबरदस्ती आपको आई थिंक पॉडकास्ट एक काफी ग्रेट मीडियम है पॉडकास्ट के थ्रू लोग नई नई चीजें सीखते हैं नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है समय से आगे रह सकते हैं वो तो इसका फायदा उठाना चाहिए लोगों को और सीखना चाहिए और आने वाले दस सालों में जब होगा तब आप बोल पाओगे हाँ मैं भी हरली डॉप्टर था तो अंकित भाई सृजन भाई आप लोगों ने मेरे बारे में तो सब कुछ जान लिया मेरे को आपके बारे में बताओ कि आप लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट वगैरह करते हो या फिर सिर्फ स्टॉक क्या क्या कितना कर रखा है कुछ बताओ अपने बारे में भी आपने नहीं बताया तो हम कैसे बताएंगे हमने भी पूछा था आपसे बिटकॉइन आपने भी नहीं बताया चलो पहले आप बताओ But इन्वेस्ट करते हैं और आज से नहीं दो से इन्वेस्ट अरे वाह दो जो सत्रह का बुलरन था एकदम स्टार्टिंग में ही बाय गॉड ग्रेस पता चल गया बिटकॉइन के बारे में ऐसा भी नहीं था कि कुछ टेक्निकल पता है कुछ फंडामेंटल हाँ। पता है क्योंकि मेरा वैसे है एक बार पैसे बन गए ना तो इंटरेस्ट आ जाएगा अच्छा पैसे बनने से पहले इंटरेस्ट नहीं आएगा <laughs> तो पहले फेज में पैसे बन गए थे पर उसके बाद में फिर जाकर पढ़ा थोड़ा सा बट शुरुआत मेरी ऐसी हुई थी कि मेरा एक दोस्त था जो बार बार कहता था कि यार बिटकॉइन के बारे में ना कुछ तो है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए बिटकॉइन नाम का कुछ चीज़ है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए बार बार कहता था और उसको बताया था उसके दुबई के दोस्त ने अच्छा कि बिटकॉइन नाम की एक चीज़ है ट्रेडिंग की जा सकती है अब तब उतना, उतना पता नहीं था कि टेक्नोलॉजी ये है वो है ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता थी बस इतना पता था कि इसमें ट्रेड किया जा सकता है और पैसा कमाया जा सकता है तो वो बार बार कहता था फिर मैंने जैसे शुरुआत में बताया आपको कि उसने खरीदा तीन सौ सौ डॉलर में कुछ ख़रीदा था उसने उसके बाद वो बार बार कहता था कि अरे ख़रीद ले तू भी खरीद ले तू भी तो फिर मैंने घर वालों से हिम्मत करके पहली बार पैसे मांगे कि मुझे साढ़े तीन लाख रुपए दे दो मेरे तब घर वालों ने ही दिए थे कि ये ले साढ़े तीन लाख रुपए इससे जो करना है तू कर ले क्या बोला था कि क्या खरीदने के लिए चाहिए बिटकॉइन खरीदने के लिए, लिए घर बता बता दिया हाँ, बता दिया पूछा नहीं बिटकॉइन क्या होता है मेरे मतलब सपोर्टिव बहुत है कि उन्हें पता था की डालेगा तो ऐसी जगह पे डाले गवा के तो नहीं आएगा सोच समझ सोच समझ हाँ समझदार है वो वाला तो था तो उन्होंने दे दिए साढ़े तीन लाख रुपए एक एफडी थी वो मैच्योर हो रही थी अच्छा। तो उसमें से निकाल के ये ले तो उसके मैंने पहली बार अपने कहा जेब पे था तब और वो सारे प्रॉब्लम उस पे थे कि खरीदते वक्त तो अस्सी हजार नब्बे हजार का खरीदो बेचने जाओ तो सत्तर हजार का बेचो वो बहुत बड़े प्रॉब्लम थे तब तो वहां से पहले खरीदा बिटकॉइन खरीदा हुँ। फिर धीरे धीरे पता चला कि बिटकॉइन के साथ इथेरियम भी होता है अच्छा तब हमें वो लगता था कि अरे बिटकॉइन तो इतना महंगा है सत्तर हजार अस्सी हजार का है इथेरियम सस्ता है पाँच हजार का चलो इथेरियम भी खरीद लेते हैं उनमें तो डिफरेंस नहीं पता था बट वो था कि हाँ ये महंगी चीज है ये सस्ती सस... चीज है सस्ती चीज और खरीद, खरीद लेते हैं ज्यादा क्वांटिटी आ जाएगी जो पहले ट्रेडर सोचता है।, है कि मेरे पास क्वांटिटी रहनी चाहिए वैल्यू नहीं देखता है वो कि किस चीज़ की क्या वैल्यू है तो क्वांटिटी वाली चीज तो इथेरियम खरीद लिया रिपल था कार्डानो था अच्छा हाँ कार्डानो भी था तब अभी भी है तो साढ़े तीन में आपने सब खरीद लिया था या फिर बिटकॉइन अकेला नहीं बिटकॉइन खरीदा था इथेरियम खरीदा था रिपल थोड़े से खरीद दे थे और कार्डानो ये चार खरीदे थे मैंने तो ये सारी चीज़ें खरीदी फिर पता चला कि यहाँ पे तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम है फिर यूएसडी के बारे में पता चला फिर यूएसडी से बाहर के एक्सचेंजेस के बारे में पता चला तो ऐसे कर कर के करके -कर वहाँ पे ट्रेडिंग वाली जो एक माइंडसेट है ना वो बनना शुरू हुआ बिटकॉइन में और क्रिप्टो में और वहाँ से फिर मैंने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना शुरू किया तो पहला बुल रन देखा हजार डॉलर पर खरीदा पहले बुल रन में उन्नीस डॉलर तक चला गया था बिटकॉइन करेक्ट अब वापस से वही बात की पैसा बना तो इंटरेस्ट जागा इंटरेस्ट जागा तो टेक्निकल एनालिसिस सीखा तो अगर आप अभी भी जाकर देखो ना वो दो हजार सत्रह अठारह वाले रन में तो ऊपर आपको डबल टॉप दिखाई देगा तो मैंने तो बस इतना और वो एक फायदा होता है ना कि आपको बहुत ज्यादा ना पता हो ना तो आप चीजों को फॉलो करते हो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हाँ। और बहुत ज्यादा पता चल गया आपको तो आप दिमाग लगाने लगते हो कि हाँ नहीं ये हो सकता है वो हो सकता है तो थोड़ा थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस सीखा था तो डबल टॉप दिखा मेरे को वहां पर बोला ये तो डबल टॉप है उसका ब्रेक डाउन आ गया बोला निकल जाते हैं

यार, तो आप तो काफी अच्छे ट्रेडर हो मेरे को इस तरह का पता भी चल गया आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है तो आपने बोला लाख और सत्तर हजार काफी अच्छा उसके बाद नवंबर दो हजार इक्कीस में पिक गया थाउजेंड डॉलर पे गया था तो उससे पहले निकल गया था मिले कोविड में हाँ अच्छा तो, तो मेरी जो जर्नी रही मतलब अभी तक की मैं भी अपनी जर्नी बता देता हूँ कोविड तक की तो मेरा कैसा था मैं उस टाइम कॉलेज में था 2017 में मैंने बीटेक स्टार्ट किया तो तब एकदम वो वाला पॉइंट था तो क्या होता है कि ट्वेल्थ तक तो पढ़ाई के अलावा कुछ और सोचा नहीं ये सब चीज़ें लगती थी कि जब

पर 2017 में जब बिटकॉइन की बातें स्टार्ट हुई थी जब हज़ार डॉलर क्रॉस हुआ एक लाख क्रॉस हुआ तो इंडिया में भी बातें होनी स्टार्ट हुई थी वॉरेन बफेट का एक बहुत बड़ा उसमें स्टेटमेंट आया था कि ये एक पौजी स्कीम है ये डूब जाएगा तो तब मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि आप वॉरेन बफेट इसके ऊपर बात कर रहे हैं बड़ी चीज़ तो होगी पौजी स्कीम तो नहीं हो सकती अगर है भी तो बड़ी पौजी स्कीम है तो उसके ऊपर पढ़ना स्टार्ट किया और पैसे तो थे नहीं तो थोड़े बहुत पचास हजार लाख रुपए जो भी इधर उधर से वो डाले और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना उस टाइम पे अराउंड सिमिलरली पंद्रह हजार सत्रह हजार के आसपास एग्जिट किया क्योंकि तो व्यू वही था मतलब जो बुल रन वाला और ये न्यू कमर की या जो थोड़ा कम रिसर्च करते हैं ना उनका यही फायदा होता है जो सृजन ने बताया कि आपको बेसिक आइडिया होता है और आप बेसिक्स ही फॉलो करते हो तो आज तक भी हम लोग वही करते हैं बुल बुलरन को प्ले करते हैं क्रिप्टो अच्छा। के अंदर तो वो प्ले किया थोड़ा बहुत पैसा बना कॉन्फिडेंस आया उसके बाद फिर कम बैक टू मतलब कमिंग टू कोविड जब कॉलेज खत्म हो रहा था उस टाइम पे मैं फ्रीलांसिंग करता था और सब चीजें करता था तो अच्छा खासा कैपिटल इकट्ठा हो रखा था फिर 2020 में जो वापस बोल दो हजार बीस में जो हाँ तो दो हजार बीस में कोविड के क्रैश के टाइम फिर उसी के कुछ एक डेढ़ महीने बाद अपनी हाफिंग हो गई तो हाँ। बहुत बढ़िया को हुआ था हाँ। उस टाइम जितना पैसा था घर पे बैठे हैं पैसे का कोई काम तो रहता भी नहीं था घर पे जितना पैसा है सारा क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया कार्डानो में मतलब मुझे लेवल्स भी याद है कार्डानो दस सेंट में खरीदा मैटिक खरीदा कुछ ऐसा आठ दस सेंट के आसपास फिर सबसे बड़ा जो मेरा पर्सनल प्रॉफिट रहा है आज तक का डोज कॉइन जब वन सेंट क्रॉस हुआ तो कुछ तो बड़ा हो रहा है करके डोज कॉइन में वन सेंट पे डाल दिया और हम लोग उसी तरीके के बिलीवर्स हैं जो ये कहते हैं ना कि बाय द हाइप सेल द न्यूज तो अच्छा। हम लोग इस चीज में बहुत बिलीव करते हैं कि जब पब्लिक किसी चीज में इंटरेस्ट होता है अपना निकलने का समय नई चीज ढूंढने का समय आता है तो वही चीज करी तो डोज कॉइन ने फिर क्या किया वन सेंट का जब ब्रेकआउट हुआ वहां पे अच्छी खासी क्वांटिटी बाय करी और जो सबसे बड़ा हाइप डोज कॉइन का बना था जब इलॉन मैसटर सैटरडे सैटरडे नाइट लाइव पैसेंजर पे, पे आने वाले हाँ। थे कि आज तो ये नेशनल टीवी पे कुछ तो डोज कॉइन बोल देंगे और डोज कॉइन पता नहीं कहाँ चला जाएगा हाँ। और वो पॉइंट हमने पहले से दो दिन पहले डिस्काउंट पे बैठ के डिस्कस कर रखा था ये बेचने का दिन होगा रात भर सोए भी नहीं क्योंकि सुबह पांच बजे छह बजे वो यूएस में टेलीकास्ट होगा बेच दिया सत्तर सेंट पे एक सेंट पे खरीदा सत्तर सेंट पे बेचा फिर उसके बाद कमिंग टू दिस अभी तक यूएसडीटी होल्ड किए अब लास्ट ईयर से वापस से इन्वेस्ट करके काफी धुरंधर ट्रेडर हो यार आप लोग <laughs> तो अभी भी इन्वेस्ट कर, अभी भी भी इन्वेस्ट रखा हुआ है पोर्टफोलियो हां यूएसडीटी को कभी मतलब रियलाइज नहीं किया अभी भी पड़े हुए हैं हम लोग थोड़े उस तरह के भी लोग हैं इस मामले में कि पैसा जितना बना लेंगे ना उसको यूज नहीं कर पाते हम लोग हम लोग उसको और इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट करो ऐसा कितना ग्रो कर सकते हैं जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है जैसे एग्जांपल के तौर पे 2017 वाली रैली में ऑलमोस्ट Uh, मैंने अपना कैपिटल तीन चार गुना किया सृजन ने शायद चार पांच गुना लगभग किया था फिर उसके बाद दो हजार वाली रैली में ऑलमोस्ट आठ दस गुना ओवरऑल yeah. कैपिटल सब चीजें yeah. मिला के आठ दस गुना कैपिटल हम दोनों ने किया तब तो हम साथ में ही थे तो डिसीजन yeah. भी साथ में लेते yeah. थे अब हम लोग इस बार देख रहे हैं कुछ थोड़े रिस्की प्रोजेक्ट्स में भी जा रहे हैं प्लस बिटकॉइन इथेरियम तो अपने जिंदाबाद हैं तो इस बार हम देख रहे हैं कि पंद्रह से बीस गुना करें तो वो जो कंपाउंडिंग होती है एक बार आप पांच गुना करोगे वो बड़ी चीज होती है बट पांच गुना किया फिर उसको आपने दस गुना, गुना हाँ। किया तो पचास गुना पचास गुना को अगर आप दस गुना कर रहे हो दैट पाँच सौ गुना तो वो प्ले हम लोग करने के लिए देखते हैं क्रिप्टो में और ये आपने एक वो बताया ना कि एक्चुअली एक पैटर्न जो आपने बताया बहुत लोगों को नहीं पता होता 2017 2021 वो क्या है ये चार चार साल का एक पैटर्न है चार चार्जरिंग होती है ना जब पहली बार इन्वेस्ट किया था ना तो तब समझ में नहीं आ रहा था कि ये चलता क्यों है कैसे चलता है अचानक से गिर क्यों जाता है पर जैसे जैसे फिर एक बार एग्जिट किया पैसे बनते हुए दिखाई दिए उसके बाद ना एक लंबा समय मिला दो सालों तक बिटकॉइन नीचे ही नीचे आ, नीचे ही नीचे जा रहा था आ, तब थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया आप जैसे कहते हो ना कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है तो वही किया वहाँ पर फिर वहाँ पर पता चला कि पहली बार सौ डॉलर जब बिटकॉइन गया था पहली बार हज़ार डॉलर बिटकॉइन गया आ, था वो सारी साइकिल्स पड़ी वहां पे फिर पता चला कि एक हाफिंग नाम की चीज होती है फिर वो चार साल की एक साइकिल होती है वहां पे दो Correct. साल आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और उसमें भी लास्ट के छह महीने अगर आप पकड़ लो तो बहुत हुँ. पैसा बना सकते हो जो कि अभी हुँ. आए भी नहीं है काफी हाँ. सारे लोग अगर इन्वेस्ट करने की तो लिए उसकी प्रिपरेशन चल रही है उसकी प्रिपरेशन चल रही है बहुत अच्छा समय है ये तो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है हालांकि इन्वेस्टमेंट एडवाइज नहीं है बट फिर भी अगर कोई हाँ गोल्डन पीरियड है हम पर्सनली देख रहे हैं इस पीरियड को तो वो सारी चीजें पता चलती गई बट ये सारी चीजें ना कहने में बहुत आसान है कि ये हो गया मेरे वहां पे पैसे बन गए वहां पे उसके बीच में काफी सारी चीजें हुई बीच में आपको याद होगा आपको तो याद ही होगा इंडिया में बिटकॉइन बैन कर दिया आपको याद है आरबीआई ने कहा था कि बिटकॉइन बैन नहीं किया था तो उन्होंने क्या बैंक दो हजार में अठारह उन्नीस हाँ अठारह में मुझे अच्छे से याद है अप्रैल एक्चुअली उसमें ना हम लोग जब चालू करने वाले थे कॉइन डी तो हम लोगों ने सब प्लेटफॉर्म रेडी कर लिया और सोचा कि सात अप्रैल को 2018 की बात है हम लोग प्लेटफॉर्म क्वेंडीशन पब्लिक लेके जाएंगे और दो अप्रैल की बात है दो तीन अप्रैल की मैं इंटरव्यू ले रहा था टीम बना रहा था और एच आर कोई हायर कर रहे थे हम लोग ताकि हायरिंग करनी थी क्योंकि अब टीम प्लेटफॉर्म बनेगा लाइव होगा और सडनली पाँच अप्रैल को की बात है आरबीआई ने सर्कुलर निकाला कि जो बैंक्स हैं इंडिया में जो बैंक्स हैं वो क्रिप्टो uh, क्रिप्टो को सपोर्ट हाँ, अच्छा, बट... बिटकॉइन हो हाँ, नहीं हाँ, नहीं। एक, एक आप होल्ड करोगे तो दस साल आज तो अपन देखते हैं कि इंडिया में नाम नहीं लूंगा बट कुछ कुछ पॉलिटिशियंस ने पब्लिकलीस्कलोज किया बिटकॉइन होल्ड करते हैं तो आजकल तो बहुत लोग होल्ड करते हैं काफी बिजनेसमैन और बड़े बड़े लीडर्स

तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग के नजरिए से हम तो क्लियरली मैं ट्रेडिंग के नजरिए से देखता हूं मैं ना साइंस का स्टूडेंट हूं ना मैं टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूं मुझे पैसे बनाना अच्छा लगता है और वही मेरा एक पैशन ऑनस्टीस्टी पैसे अच्छा लगता है और वही एक पैशन है मेरा कि पैसे बनाओ यूज नहीं कर पाता उसको बनाने के पास वो वापस लगा देता हूं बट बनाना मजा आता है उसमें तो उस प्रोसेस के थ्रू अगर मैं बताऊं ना तो जितने भी प्रॉब्लम्स थे ना वो अब सॉल्व होना शुरू हो गए और अगर चीजें आसान होती जाएगी ना उसमें और ज्यादा लोग आते जाएंगे और, और उससे जो है ना उसका डिस्कोस और बड़ा होता जाएगा और इससे जो अगर आप अभी इन्वेस्ट करोगे ना उसका फायदा आपको आने वाले तीन चार सालों में देखने को मिलेगा हम लोगों ने क्रिप्टो उस टाइम पे खरीदे जब कैसे खरीदने वो फिगर आउट करना होता है हाँ। पहले तो काफी मुश्किल होता था यूएसडी हाँ। कहां से लाए वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है हाँ, हाँ। किसी दोस्त के दोस्त के दोस्त अच्छा। खरीदे यूएसडीटी वैसी सारी चीजें करनी पड़ी है इसीलिए हमने कॉइन डिशेस लॉन्च किया था हाँ। कि ये सब लोग हम लोगों लो ने भी सेम प्रॉब्लम महसूस की है जब हम चालू करते थे ना सेम समस्या है कि यार कहा से खरीदे हैं पांच परसेंट दस परसेंट महंगा मिल रहा है प्लस वहाँ ट्रस्ट की प्रॉब्लम ट्रस्ट की प्रॉब्लम मैं पहले पैसे दू फिर वो मुझे यूएसडीटी भेजेगा कैसे करेंगे ब्लॉक कर दिया तो हाँ ब्लॉक कर दिया तो लेके भाग गया जब लॉन्च हुआ ना वहां से मुझे अच्छे से याद है आपकी टेक्नोलॉजी वाइज और लोगों को खरीदना बेचना आसान किया गवर्नमेंट भी थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आते गया गवर्नमेंट में भी तो मुझे लगता है ना ये समय जो है ये एक ऐसा गोल्डन पीरियड है जहां पे अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा है अगले दस साल पंद्रह साल बीस साल के लिए अगर बिटकॉइन को या क्रिप्टोस को देख रहा है ना तो ये वो गोल्डन पीरियड हो सकता है जहां पे आप अक्यूमुलेट करो आराम से बैठो अब ये नहीं है कि कोई भी प्रोजेक्ट खरीद के बैठ जाओ टॉप तो के जो है समझ के हाँ, हाँ। बट ये गोल्डन पीरियड हो सकता है जहाँ पे आप जनरेशनल वेल्थ बनाने की तरफ जा सकते हो तो आप लोग अभी बिटकॉइन ये जो साइकिल जो अपन बात कर रहे थे चार चार साइकिल साइकिल होता है बहुत लोगों को एक्चुअली ना जैसे क्रिप्टो में जो ट्रेडिंग है ना मार्केट वो बहुत सिमिलर है चौबीस हाँ हाँ में हलविंग थी हल्विंग के बाद वाला जो पीरियड होता है, है ना उसमें एक्टिविटी होती है और मार्केट रन में जाता है ना तो सेम आपने 2017 में एक्सपीरियंस कर लिया मैं भी 2017 में काफी uh, मेरे को मैं आया था उसमें काफी प्रोजेक्ट्स में डाला था मैंने दस दस हजार रुपए डाले थे और काफी वही टेन फिफ्टी एक्स टाइप वो मिला था बट हर किसी में नहीं होता था मार्केट बहुत नया था लोगों को नहीं पता था फिर 2021 में नवंबर 2021 में पिक गया था राइट वो 2020 की हलविंग के बाद अभी 2024 में हलविंग है तो बहुत सारे लोग आ, ये पैटर्न को समझते हैं तो जैसे ट्रेंड्स होते हैं ना एक स्टॉक मार्केट रिदम में रिदम होती है मार्केट हाँ रिदम होती है वैसे हो, पकड़ लीना पकड़ तो फिर आपको समझ में आता है कि ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं मार्केट में और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है मैं भी पहले स्टॉक मार्केट में काफ़ी करता था ट्रेडिंग वगैरह फिर मुझे लगा कि यार स्टॉक मार्केट वगैरह में क्या है ना मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता बताऊँ स्टॉक मार्केट में जैसे लोग बोलते हैं कि यार डायरेक्शंस भी है कि नाइन आउट ऑफ टेन पीपल लूज़ मनी यार लोग ट्रेडिंग करते हैं और मेरे को लगा यार स्टॉक मार्केट में ना क्या पैसा कौन बनाते हैं तो ब्रोकर्स वगैरह और वो सब बनाते हैं गवर्नमेंट टैक्स वगैरह वो सब होता है पर किट किटपिट के बचता है तो बहुत सारे लोग तो रिटेल पैसा वो कमाते हैं और पैसा अल्टीमेटली जिनके पास ज़्यादा अच्छे टूल्स हैं ज्यादा अच्छे इंफॉर्मेशन असिमेट्री होती है मार्केट में जिसके पास इन्फॉर्मेशन आ गई उसके पास लेवरेज आ गया है ना तो जिनके पास uh, तो जो आम रिटेल होता है उसके पास तो चांस बचते ही नहीं है बिकॉज इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही तब तक तो सब लोग पोजिशन लेके बैठे हैं उसके हिसाब से तो नाइन आउट ऑफ टेन पीपल लूज मनी मैंने कहा रहा है वहाँ पे एज नहीं है अपने पास एज अ रिटेल कस्टमर बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन का एडवांटेज है वो तो कोई बड़े लोग ऊपर लोग लेके बैठे हैं इसीलिए मनी फ्लोज देयर बट ये मार्केट ऐसा है जो मुझे समझ में आया कि यार बिकॉज ये मार्केट काफी डिसेंट्रलाइज है और काफी आम जनता है तो उसमें क्या होता है ना कि इन्फॉर्मेशन का एडवांटेज किसी और के पास नहीं है जो इन्फॉर्मेशन ब्लूमबर्ग टर्मिनल पे अब जैसे इक्विटी मार्केट में ब्लूमबर्ग टर्मिनल पे दिखती है जिनके पास टूल नहीं है वो तो क्या करेंगे यार कुछ वो मिल ही नहीं सकता ऑप्शन ही नहीं है ऑप्शन ही नहीं है तो उनके पास तो क्लियर डिसएडवांटेज है बट क्रिप्टो मेक विको सारा ब्लॉक पे हो रहा है ना तो भले ही वो ब्लैक रॉक हो चाहे मैं हूं इन्फॉर्मेशन बराबर अवेलेबल है बिकॉज सब लोक चेन पे अवेलेबल है तो मैं डिसएडवांटेज पे नहीं हूँ क्रिप्टो में ये फायदा होता है ट्रेडिंग का इसलिए मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना मैंने फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग उतना नहीं करता अभी मेरा पूरा जो ट्रेडिंग है वो क्रिप्टो में करता हूँ बिकॉज मेरे को लगता है यहाँ पे एटलीस्ट लेवल फील्ड तो है दूसरा मुझे लगता है ना ये पहला मार्केट ऐसा है क्योंकि पहले क्या होता था पहली चीजें जाती थी जो बड़े लोग हैं उनके हाथ में वो पूरा चूस लेते थे और फिर वो नीचे फेंक देते थे और फिर हम सब उसको खाते थे ये पहला मार्केट है जो स्टार्ट किया हम जैसे रिटेल लोगों लोग हाँ, ने छोटे हाँ, लोग लोग लोगो लोगों ने और अब जो है बड़ी एजेंसीज जो है या बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेस है या बड़े जो लोग हैं स्मार्ट मनी जो है, वो अब आ रहा है तो यहां पे एक्चुअल

ब्लॉकचेन पे क्रिप्टो की दुनिया में ना उल्टा होता है पहले रिटेल लोग आते हैं पहले रिटेल लोग आते हैं फिर धीरे 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 जब वो प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो फिर इंस्टीट्यूशन है, है सोलाना तो चलो ठीक है सोलाना अभी हम खरीद रहे आने वाले सात महीने में ये लोग खरीदना शुरू करेंगे ये मुझे अच्छा लगता है ये ग्राउंड अप है ना ये टेक्नोलॉजी और ग्राउंड पहले रिटेल लोग आते हैं

तो आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो बट ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है और आपको ये पता है कि नहीं बैठा है तो उसका फायदा मिलता है प्लस दूसरा जो मैक्सिमम आ रहे हैं वो इसलिए नहीं आ रहे कि आपने किसी और के रिटर्न छीने हैं यहाँ पे चीज ही ग्रो हो रही है अभी एसेट ही अपने आप में ग्रो हो रहा है अगर एसेट क्लास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन गोल्ड के बराबर हो सकता है अगले पांच साल दस साल में तो यहां से बिटकॉइन का ही हम दस से पंद्रह गुना देख रहे हैं मार्केट कैप आप तो अगर 10 से 15 गुना मार्केट कैप होगा तो जो वीसी बैठा है वो भी कमाएगा जो एसेट मैनेजर बैठा है वो भी कमाएगा जो रिटेल बैठा है तो रियल इन्वेस्टर जो है राइट या जो जो बंदा उसमें है, वो रहता है जैसे आपने बोला ना करके भूल गए राइट जैसे अपन रियल एस्टेट की तरह बात करें जमीन खरीद दी अच्छा सुमित ये हमारी स्टोरी हो गई आप तो काफ़ी लोगों से मिलते होंगे आपने भी काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरी सुनी होगी काफ़ी सारे फेलियर्स हाँ, सुने होंगे कुछ आपके पास है जिससे लोग इंस्पायर हो सके हाँ मतलब मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ मतलब मेरे कॉलेज के काफ़ी सीनियर्स हैं तो एक स्टोरी बताता हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो कॉलेज में हर आई आई बॉम्बे में और सारे कॉलेज में होती कंप्यूटर लैब होती है तो दो हज़ार की बात है अब लोग कंप्यूटर लैब में जाकर बैठे रहते हैं कोडिंग करते हैं सीखते रहते हैं और मैं टाइम पर कॉलेज में था तो कंप्यूटर साइंस के जो लोग थे ना जो काफी गीकी लोग होते हैं और एक पहले ना काफ़ी गीक गीकीनेस से रिलेट होता था पूरा बिटकॉइन फिना वगैरह तो उस टाइम पे माइनिंग पावर उतनी नहीं लगती थी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी हाँ, नहीं थी तो लोग कंप्यूटर लैब में माइनिंग करते थे रिवॉर्ड अच्छा था, था। तो एक दोस्त है मैं नाम नहीं लूंगा बट उसने काफी कंप्यूटर लैब में कॉलेज की कंप्यूटर लैब में माइन करता था वो और उसने काफी बिटकॉइन माइन करे और अब तो उसका पोर्टफोलियो काफी बड़ा हो गया उस टाइम दो हजार बारह तेरह देख लो अब कितना वो होगा प्राइस और अभी भी वो काफी होल्ड करता है मतलब अब तो वो इन्वेस्ट करने लग गया है प्रोजेक्ट्स में और खुद का बड़ा पोर्टफोलियो मेंटेन करता है तो वो उसने पहले पकड़ लिया और उसका एक दोस्त था यूएस में उसने बताया था कि ब्रो ये चल रहा है दुनिया में एक बार पढ़ना इसके बाद ये तूने किया क्या तो उसने देखा क्यूरसिटी जागी दिमाग की बत्ती जगी तो उसने चालू किया माइनिंग उसने ही कर रखा है ऐसे काफ़ी स्टोरी ने एक वो आपने सुनी होगी स्टोरी वो पिज़्ज़ा की वो दस हुँ, हजार बिटकॉइन देखे, बिटकोईन देखे। बिटकोईन एक दो पिज्ज़ा खरीदे थे बताओ कितने के होंगे वो कैस करो आप उसने दो पिज्ज़ा मतलब कितने बीस डॉलर पच्चीस डॉलर बट आज कितने की कीमत होगी उसकी टेन थाउजेंड बिटकॉइंस

इंजीनियर और मैं मिला था उससे भी एक इवेंट था उसमें मिला था और इंजीनियर काफी इंट्रोवर्ट जानता नहीं बाकी लोगों से बात नहीं करता अपने में कंप्यूटर पे गेमर तो गेमर तो बेसिकली जो लोग होते हैं ना जो गेमिंग करते हैं उनको काफी समझ में आता है जल्दी ये चीज गेमिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो तो टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अपनाती है हाँ, और इसीलिए मैंने ना पहले डिस्कॉड ज्वाइन किया था सारे गेमर सारे गेमर पे होते हैं तो इसीलिए किया था कि इन लोगों को ना वो सारी चीजें पता होती है जो अपने पास आने में चार पांच साल लगते हैं हाँ हाँ

और कुछ समझ में नहीं आता मतलब सिंगल और आराम से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं लाइफ में है ना तो उससे चार साल पहले की बात है 2021 जो बुल मार्केट आया था उसके पहले वो कुछ नहीं था नया सीख रहा था, नहीं था। अब वो उसने ऐसा पकड़ लिया पूरे इंडस्ट्री को कि यार क्या चलता है कैसे चलता है और अभी हमारे प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा यूज़र है वो उसका सिंगल ट्रेड साइज होता है पंद्रह मिलियन डॉलर का सिंगल ट्रेड साइज भी करता है वो वो बंदा घर पे उसे घर वालों को तो पहले समझ भी नहीं आया बोले क्या हो गया ये तू क्या कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है फिर उसने बताया नहीं पहले मैं आ, सीखा फिर एयर ड्रॉप्स काफ़ी होते हैं क्रिप्टो में आपने सुना होगा कि आप किसी प्रोजेक्ट में आप पार्टिसिपेट करो तो वो आपको फ्री एयर ड्रॉप देते हैं मुझे मिले हैं काफ़ी तो एयर ड्रॉप मिले तो उसको पाँच हज़ार डोलर का एयर ड्रॉप मिल गया तीन हज़ार डोर का एयर ड्रॉप मिल गया उससे उसने ट्रेड किया छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में बनाया तो करते करते इस लेवल पहुंच गया कि अब उसने अपना एक होटल बनवाया अपने गाँव में ठीक है ख़ुद का होटल है उसका और घर वालों को मतलब प्रॉपर

प्रोजेक्ट्स में एंजल इन्वेस्टर बन चुका है क्योंकि उसको पता है कि अच्छा कोई नया प्रोजेक्ट आएगा डी में कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो उसको किस नजरिए से देखना है क्योंकि वो एक्सपीरियंस है पाँच छः साल का तो ऐसी काफ़ी स्टोरीज होती हैं अच्छा आपने बात करते करते काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल बताए जो स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स थे वो क्रिप्टो में शिफ्ट हो गए हाँ। क्या सिमिलैरिटीज है और क्या अलग चीज़ें है क्रिप्टो मार्केट में और स्टॉक मार्केट में बहुत सेम ही है सिमिलर ही है मतलब वही टेक्निक चार्ट वैसे होते हैं आप को एनडी सिक्स पर जाके चार्ट देखोगे ना सिमिलर ही दिखेगा टेक्निकल hmm. एनालिसिस करोगे वही मूविंग एवरेजेस वही आर एस आई सेम ही होता है तो फंडामेंटल एनालिसिस बट थोड़ा अनवान्स ऐसा होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस आप वहाँ पे अलग चीजों पे करते हो कंपनी के रेवेन्यू पे करते हो यहाँ पे आप ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन पे करते हो यहाँ पर भी रेवेन्यू होता है फॉर एग्ज़ाम्पल इथेरियम है इथेरियम एक ब्लॉक चेन है हुँ। जो आपने इन्वेस्ट किया था जिसमें उसमें आप देख सकते हो कि यार अच्छा ठीक है छः मिलियन सिक्स पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर उसने दो दिन पहले जब मैं देख रहा था सिक्स पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर फीस कलेक्ट की थी अब वहाँ पे शेयर्स होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता, होता है यहाँ पर टोकन होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है है ना वहाँ पे भी कंपनीज होती हैं जो कंपनीज बना रही है। वो है अच्छा, हैं वो लोग बोलते हैं अच्छा ट्रेडिशनल कंपनीज हैं यहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर लोग अपनी कंपनीज बनाते हैं उसको लोग प्रोजेक्ट्स बोलते हैं वहाँ पे आ, अलग शेयर्स होते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स शेयर यहाँ पे टोकन सप्लाई होती है तो कोर पे सेम ही है काफी सिमिलैरिटीज हैं बट थोड़ा वर्ड्स के निवांज वगैरह वो होते हैं वो एक घंटे दो घंटे में आप कोई भी देखेगा तो hmm. सीख सकता है तो आ, बट आ, सारी मतलब लर्निंग कर्व बहुत बड़ा नहीं है हाँ मतलब जिसको क्रिप्टो जिसको इक्विटी मार्केट स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग समझ में आती है वो काफी हाँ। हाँ। होडल हाँ तो तो वर्ड नहीं example, Hodel, काफी फेमस है हाँ। होडल क्या है बस स्पेलिंग गलत डाल दी होल्ड को होडल बोलते हैं क्रिप्टो होल्ड हाँ, को आपको पूरा उसमें मिल जाएगा की क्या हिस्ट्री है पहली बार किसने होडल बोला सब मिल जाएगा ये सब रेडिट पे चलता है तो वो मीम्स बन जाते हैं काफी और कल्ट में आ जाता है ऑडियंस है।, uh, है तो मीम हाँ। कल्चर और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाँ। है यस 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 तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और ऐसा मुझे लाइक मैं भी तो स्टॉक मार्केट आ, मैं करता था पहले ट्रेडिंग अब मैं स्टॉक मार्केट ज़्यादा देखता नहीं हूँ तो मुझे लगता है यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा एज है अल्टीमेटली ट्रेडिंग में एज चाहिए होता है आपको बिल्कुल तो मैं यहाँ पे अभी करता रहता हूँ बट मुझे तो ऐसी दिक्कत नहीं है और बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं उनको इनफैक्ट वो लगता है कि यार यहाँ पे एटलीस्ट मेरे को थोड़ा मेरे पास एडवांटेज है तो करते हैं और लोग करते हैं मतलब हमारे मैं डेटा बताऊँ आपको जब मैं बता रहा था कि नाइन्टी परसेंट नाइन आउट ऑफ टेन पीपल लूज मनी मैंने एक ट्वीट डाला था कुछ टाइम पहले पाँच छः महीने पहले जिसमें हमने हमारे जो यूज़र्स हैं जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उसका जो uh, ट्रेडिंग करते हैं उसका परसेंटेज डाला था तो फिफ्टी फोर परसेंट पीपल

बट क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या होता है वैसा नहीं होता सब इन्फॉर्मेशन ओपन है सब पब्लिक तो चीजें तो वो, uh, हो हाँ. तो वो, हाँ. तो वो uh, डिफरेंस हो, hmm. right? well uh, तो uh, होता है तो इसीलिए मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट लगता है और बहुत सारे लोग हैं इसीलिए कर रहे हैं कि यार वहाँ पे पहले आई थिंक मैं तो इतना ऑप्शन ट्रेडिंग करता नहीं हूँ हार्ड को ट्रेडर ट्रेडर बट लाइक जो लोग करते हैं ऑप्शन राइटिंग करते हैं वो बोलते हैं ऑप्शन राइटिंग पहले पैसा होता था अब तो पैसा बनता नहीं है ऑप्शन राइटिंग में, आप में को बताओ क्योंकि यार उनको अब मार्केट में तो रहना है चार पांच साल इन्वेस्ट कर चुके हैं अब अपॉर्चुनिटी कहाँ है मार्केट में तो फिर ऐसे इसे करते, इसे करते करते लोग डिस्कवर करते हैं हुँ। हुँ। और फिर आते हैं और फिर थोड़ा टाइम देखते हैं तो सुनाते तासान इतना डिफिकल्ट नहीं है तो सीख जाते हैं तो मेरे को लगता है आधा महीना एक महीना 1990s के ज़माने में स्टॉक मार्केट में था जिस तरह का पैसा उस जमाने में बनाया जा सकता था जहाँ पे आपको झुंझुन वाला दिखाई देता है बाकी सारे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिन्होंने 1990s में इन्वेस्ट करना शुरू किया हाँ। और फिर पैसे बनाए वही आज जो मौका है वो क्रिप्टो में दिखाई हाँ। देता है कि यहाँ से आप जो है स्टार्ट कर सकते हो और अगले दस साल में एक जनरेशनल वेल्थ बना सकते हो आप

तो फिर जो स्ट्रांग होल्डर्स हैं उनसे बिटकॉइन निकलवाने के लिए आप सत्तर हजार में नहीं निकलवा सकते आपको डेढ़ लाख दो लाख में लेना पड़ेगा उनसे और वो निकलवाएंगे ना जब तो जो एस्ट्रोनॉमिकल राइज आ सकता हाँ। है जो हम शायद बिलीव भी नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे क्या होने वाला है तो एक मतलब लोगों को एक कॉमन टर्म बताने के लिए मैं बोलता हूँ इस बार डबल इंजिन की रैली है मतलब इस बार खाली हाफिंग वाला खेल नहीं है इस बार ई जो आ रहा है प्लस क्रिप्टो का अगर हम टोटल मार्केट कैप देखें तो जहां तक मुझे याद है कुछ डेढ़ दो ट्रिलियन डॉलर है दो ट्रिलियन डॉलर दो ट्रिलियन डॉलर है स्टॉक मार्केट का टोटल मार्केट कैप अराउंड 110 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है अगर स्टॉक मार्केट का 10 परसेंट एसेट एलोकेशन भी क्रिप्टो में आ गया तो वो किस लेवल पे राइज हो सकती है चीजें और एसेट एलोकेशन तो हो रहा है वो तो दिख रहा है सबको पेंशन फंड्स अगर उसमें पैसा डालना स्टार्ट करें सिर्फ दस भी एलोकेट करें तो यहां से क्रिप्टो टेन ट्वेंटी तो खाली इस इन्वेस्टमेंट से हो जाएगा ए ने उस सारे पैसों को दरवाजा दे दिया है क्रिप्टो में आने का जो इससे पहले बाहर पहले नहीं, नहीं आ सकते थे।, थे हाँ करेक्ट पेंशन फंड हो गया बाकी के अलग अलग म्यूचुअल फंड हो गया वॉल स्ट्रीट हो गया हाँ। उन सारों का पैसा अगर आ जाता है मैं ये नहीं कह रहा हूं अंकित बोल रहा है दस परसेंट आ जाए वही आ जाता है

ये बीस बीस तीस तीस साल होल्ड करते, करते और हैं और वो वो बुल रन आ सकता है जो नाइनटीन में यूएस में था जहाँ पे दस साल तक मार्केट कंटिन्यूस हमें चलता हुआ देखने को मिला मेरे को लगता है कि इस साइकिल के बाद ना मेन स्ट्रीम हो रहा है वो पहले डाउट था उतनी वेव्स नहीं आएंगी बड़ी उतनी वेव्स नहीं आएंगी वॉलेटिलिटी कम होती जा तो पहले वॉलेटिलिटी ज्यादा थी इस बार वॉलेटिविटी जो इंडेक्स होता है ना वो काफी कम है मजा कम होता जा रहा है मजा बट ठीक है मतलब लेवरेज पे खेल लेते हैं वो तो लोग निकाल लेते तरीका बट लाइक ओवरऑल वॉलीटिटी ओवर टाइम कम होती जा रही है पहले काफी एसेट क्लास होता था अब इसकी वॉलीटिटी स्टॉक मार्केट को मिमिक कर रही है हुँ, हुँ। उसकी तरफ जा रही है ट्रेंड कर रही है दूसरा ये जो बड़े बड़े पहले क्या होता था ए वगैरह नहीं था तो इंस्टीट्यूशनल कैपिटल आने का जरिए नहीं था कोई उनको चाहिए होती सारे प्रॉपर इंस्टीट्यूशन सेफ्टी अब वो टूल्स बन चुके सारे सारे चेक्स सारे चेक्स एंड एंड चाहते और वो काफी वो हो गया है और फंड इजीली बोल सकता है कि मैंने क्या गलत किया मैंने तो ब्लैक हाँ, रॉक का ईटीएफ लिया हां एग्जैक्टली और रेगुलेशन से पहले डाउट था कि यार गवर्नमेंट चलने देंगी नहीं चलने देंगी बैन तो नहीं हो जाएगा अभी अब तो सारी गवर्नमेंट आके बोलने के हम तो रेगुलेट करेंगे आई डोंट सी सिंगल गवर्नमेंट सिंह नहीं हम बंद कर देंगे एक दो गवर्नमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल जिन्होंने पहले 2017 18 19 में सोचा था कि हम लोग बंद कर देंगे अब रिवर्स कर रहे हैं

Uh, अच्छे लोग रहेंगे बिकॉज हाईली सुपरवाइज्ड है बार कोई एरा गहरा आके नहीं कुछ भी कर लेगा राइट बिकॉज इट इज़ हाईली रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज बाय द गवर्नमेंट तो इसीलिए उनको पता है कि हाँ मतलब इस सेक्टर को रेगुलेट होना चाहिए और रेगुलेट होकर रहेगा मैं तो अभी इंडिया में रेगुलेशन आई नहीं बट मेरा काफी स्ट्रांग कन्विक्शन है कि आने वाले एक दो साल के अंदर हम लोग इंडिया में भी क्रिप्टो रेगुलेशन देखेंगे रेगुलेशन मतलब अभी भी बाय द वे रजिस्ट्रेशन है hmm. ऐसा नहीं लोग मेरे को बोलते हैं अरे इंडिया में तो लीगल नहीं है ना राइट right?

एंड uh, लोगों को ये नहीं पता कि अच्छा ठीक है कैसे किस प्लेटफॉर्म से खरीदें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि uh, पिछले दो तीन साल के अंदर काफ़ी इवॉल्व हुई हैं uh, अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है कॉल्ड एफ तो उन्होंने क्या किया है ना इंडिया में रजिस्ट्रेशन देना चालू कर दिया है Uh, कोई भी इंडिया में जो एक्सचेंज है क्रिप्टो एक्सचेंज है, उनको है। तो उससे आपको पता चलता है अच्छा ठीक है मतलब एटलीस्ट दीज आर द पीपल हु आर अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे डू रिपोर्टिंग यू मेक श्योर दैट आप जो कहाँ पैसा लगा रहे हैं वो कंप्लाइंट तरीके से वो हो रहा है तो वो तरीके हैं जो करने के आज से जब अपन ने चालू किया तब ऐसा कुछ नहीं था तो ओवरऑल आप ट्रेंड देखोगे तो पॉजिटिव की तरह की तरफ ही जा रहा है आज आप इनकम टैक्स में डिक्लेयर करते हो कि मैंने कितना क्रिप्टो होल्ड स्टोर कितना क्रिप्टो एसेट स्टोर करता हूँ उस पर टैक्स देते हैं बकायदे ये अच्छी चीज़ है अगर रेगुलेशन नहीं हो रहा होता तो ये सब करने की ज़रूरत थोड़ी थी राइट तो डायरेक्शनली काफ़ी पॉजिटिव है और अब तो बस वो टाइम है जहाँ पे अब चीज़ें और ओपन रेगुलेटेड की तरफ होंगी

वही एस सी सी ने इथीरियम के को अप्रूव, अप्रूव है। किया है। रैली हाँ। उतनी बड़ी नहीं आई शायद इसलिए वो उतनी नहीं बनी। बट लोग इस चीज़ की पावर को नहीं समझ रहे kind of चीज़ मानी जाती। बट इथीरियम का भी ईटीएफ अप्रूव हो रहा है ये कहीं ना कहीं रास्ता ओपन कर रहा है कि शायद शायद हम चार साल पांच साल बाद देखें जहाँ पे हम अगर क्रिप्टो के हाँ हो सकते हैं और उससे आपको पता चलता अच्छा ठीक है एस ने या रेगुलेटर्स ने एक पर्टिकुलर चेकलिस्ट करके उनको अप्रूव किया है तो इससे क्या आम जनता के लिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन होता है उनको पता चलता है अच्छा ये सारे एसेट्स हैं जो कि टिक मार्क है 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 तो तो इनमें तब तो तक, तक पर ठीक मार्केट बढ़ बढ़ जाता बट एटलीस्ट आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है उसमें प्लस बहुत लो, बहुत लोग लोगों को क्या लगता है कि अरे फिर भी इतना आसान नहीं है कि स्टॉक मार्केट का पैसा क्रिप्टो में आएगा स्टॉक मार्केट का पैसा क्रिप्टो में ऐसे आएगा कि आज यूएस में अगर कोई इन्वेस्टर बैठा है जिसका एक लाख डॉलर का पोर्टफोलियो है

आई एम टॉप एसेट्स नॉट लाइक कि आप रैंडम प्रोजेक्ट और वो सब में हंड्रेड एक्स वाले वो सब नहीं वो रिस्की होते हैं काफी बट हाँ बिटकॉइन और इथेरियम इसमें अगर आप दो परसेंट एलोकेशन लेते हो ना तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में ट्वेंटी फाइव परसेंट का इम्पैक्ट होता है राइट अब आप सोचो कि आज के टाइम पर जहां पर इन्फ्लेशन इतना है आपको मार्केट रिटर्न बीट करना है तो आपको वो करना पड़ेगा डाउन साइड कितना है टू परसेंट पर अपसाइड आपके पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो में ट्वेंटी थर्टी परसेंट मिल रहा है तो दिस इज अ अल्सो अ गुड वे फॉर पीपल टू ऑब्वियसली मैनेज रिस्क बिकॉज आप कम ले रहे हो रिस्क hmm. uh, कम ले रहे हो बट आपके ओवरऑल रिटर्न में आप मेरे को दस परसेंट मिलता है दस का बारह परसेंट तेरह परसेंट पंद्रह परसेंट करके लेके जाना है राइट right? या मार्केट स्टॉक मार्केट पंद्रह बीस परसेंट अभी तो काफी अच्छा रिटर्न चल रहा है राइट बट उसको और एवरेज yes, आउट nice करना point point है मैक्सिमम बिकॉज अब स्टॉक मार्केट की रैली चल रही है अब पता नहीं कितना और तो इंसान के पास ऑप्शन होने चाहिए ऑप्शन hmm. होने चाहिए बिकॉज देन कैपिटल रोटेट करना चाहिए बहुत सिंपल रूल होता है पैसा मार्केट uh, में पैसा कमाने का और किसी महान व्यक्ति ने मुझे सिखाया था कि इफ यू वांट टू मेक मनी इन मार्केट्स फॉलो द मनी

रहते हैं बार बार न्यूज आती है हैक्स की, कोई एक्सचेंज हैक हो गया कोई अलग अलग चीजें हैक हो जाती है रिसेंटली हम लोगों ने इंडिया में देखा है काफी बड़ा हैक हुआ था जिससे काफी पैनिक क्रिएट हुआ था लोगों में पैसा डूब गया वगैरह तो क्या ओपिनियन है आपका इसके बारे में ये सारे जो चीजें होती है ना ये एक लर्निंग है Uh, for people to choose platforms which are uh, focusing on security, क्योंकि uh, hacks वगैरह पहले भी काफ़ी हुए hain but ultimately what matters is one आप जो अपनी journey start कर रहे हो aise platform से करो जिसका security बहुत tight है जो इन्वेस्ट mm. करते हैं तो कॉइनडी सिक्स में हम लोग राइट फ्रॉम द स्टार्ट सिक्योरिटी हमारा एक स्ट्रेंथ रहा है mm. uh, काफ़ी बड़ी टीम है जो कि uh, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज फ्लिपकार्ट वगैरह काफ़ी बड़ी कंपनीज से बेस्ट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स उस पर काम करते हैं और उस पर इन्वेस्टमेंट लगता है मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन इन्वेस्टेड आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी वो मल्टीपल होनी चाहिए ऐसे नहीं कि आपने एक लेयर ऑफ़ सिक्योरिटी करके कर दिया दैट शुड नॉट हैपन तो उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है और मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है तो फॉर कस्टमर्स आई थिंक ये मैटर करता है कि आप उस प्लेटफॉर्म से इंट्रैक्ट करो जिसने सिक्योरिटी पर काफी काम किया है काफ़ी फोकस किया है hmm. और सिंगल लेयर ऑफ सिक्योरिटी नहीं है मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है और आ, बहुत सारे लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं बहुत सारे लोग बस एक्सचेंज छोटे छोटे एक्सचेंजेस होते हैं वो रिस्की होते हैं बिकॉज उनके पास उन्हें रिसोसेज नहीं होते सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए तो आ, वो अवॉइड करना चाहिए छोटे प्लेटफॉर्म जो कि नए हैं क्योंकि क्वेंडी सिक्स साढ़े छः साल से इंडिया में ऑपरेट कर रहा है विदाउट एनी सिंगल सिक्योरिटी ब्रिज वो वैलिडेशन है कि हाँ मतलब सिक्योरिटी पॉस्चर काफ़ी स्ट्रॉग है कंपनी का तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बड़ी प्लेटफॉर्म होने चाहिए राइट बिकॉज छोटे प्लेटफॉर्म इतना रिसोर्सेज कैपिटल नहीं होता है आ, हमारे पास पंद्रह मिलियन कस्टमर्स हैं पंद्रह मिलियन कस्टमर्स जो हैं भरोसा दिखाते हैं तो दैट इज़ अ साइन ऑफ वैलिडेशन जैसे मैंने आपको आई सर्टिफिकेशन बताया फिर जो फंड्स होते हैं फंड्स मोस्ट ऑफ़ द फंड आर इन कोल्ड वॉलेट तो uh, जो आप जो जिसकी बात कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे फंड्स वगैरह अच्छे तरीके से सिक्योर नहीं थे सारे फंड्स Uh, और इनफैक्ट हाफ ऑफ द फंड्स वर इन सिंगल वॉलेट तो वो सब चीज़ें बेसिक सिक्योरिटी uh, प्रैक्टिस होती हैं जो कि फॉलो करनी चाहिए तो हम लोग अपने एंड पे काफ़ी क्रिटिकली उसको एनालाइज़ करते हैं डाइवर्सिफाई करते हैं कोल्ड वॉलेट में रखते हैं एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन होता है और कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस भी होता है सो वी हैव इंश्योरेंस ऑल्सो एंड देन देर इज अनदर थिंग दैट वी हैव लॉन्च रिसेंटली फॉर कस्टमर्स विच इज कॉल्ड सी आई पी एफ क्रिप्टो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जिसमें कि अगर मान लो कभी किसी कस्टमर का राइट right, uh, या प्लेटफॉर्म पर सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो वह सी आई पी एफ में कस्टमर को कभी इंपैक्ट नहीं आना चाहिए तो वो फंड भी निकाला है हमने फिफ्टी करोड़ का स्टार्ट किया है एंड देन इट इंक्रीजेज एंड वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग द रेवेज देट वी आर मेकिंग पार्ट ऑफ देट टू दैट फंड ऑल्सो तो जो भी प्लेटफॉर्म उन सब चीज़ों पर काम करता है कदम उठाता है वो ट्रस्टवर्दी होते हैं और दूसरा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ग्लोबली इंटरनेशनली राइट बड़ी कंपनीज क्या होता है थोड़ा बहुत कभी सिक्योरिटी वो एप्स होते हैं तो उनके पास इतना स्ट्रांग बैलेंस शीट होता है कि वो एब्जॉल्व कर लेते हैं अपने एंड में ताकि कस्टमर्स को फर्क नहीं आना पड़ना चाहिए mm -hmm. तो वी आर फॉर्चुनेट टू हैव सम ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स राइट बेस्ट इन्वेस्टर्स कॉइन बेस है पॉलीचेन है टमासिक बी कैपिटल स्टेड व्यू जम पेंटेरा ऑल ऑफ दीज आर वेरी सॉलिड नेम्स

तो कोई भी आपका पैसा रिकवर नहीं कर सकता बिकॉज दैट इज द एक्सेस दैट इज प्राइवेट की दैट इज द एक्सेस टू बहुत सारे कस्टमर्स इतने टैक्से भी नहीं होते हैं उनको नहीं समझ में आता तो आप रिलायबल एक्सचेंज के साथ जो कि काफी टाइम से टिका हुआ है काफी टाइम से सिक्योरिटी पे फोकस करता है राइट hmm. right? वो आप प्लेटफॉर्म देखोगे आप समझ में आ जाएगा कि किसने कितना उस पर काम किया है और कॉइन uh, डी में हम लोग काफ़ी इन्वेस्ट किया है मतलब अगर आप सिक्योरिटी पेज में जाएंगे ना तो आप पढ़ सकते हैं कि कितने सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज़ करते हैं परख होनी चाहिए कि हाँ कौन सा ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है किसने सिक्योरिटी पर काम किया है वैसा चूज करेंगे तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हो ये सारी चीज़ों से एक और चीज़ करते हैं हम लोग प्रूफ ऑफ रिजर्व पब्लिश करते हैं हर क्वार्टर

हमारे तीन पिलर्स हैं कंपनी के वैल्यूज में अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे और डे वन से यही है सिंपलिसिटी सेफ्टी एंड कंप्लाइंस सिंप्लिसिटी मतलब वैसे ही कॉम्प्लेक्स है हुँ. वैसे ही क्रिप्टो बहुत कॉम्प्लेक्स है उसका नाम ही क्रिप्टो है <laughs> ना तो उसको सिंपल बनाना बहुत जरूरी है hmm. समझाना बहुत जरूरी है तो हर जो प्रोडक्ट है अगर आप हमारे फ्यूचर ट्रेडिंग में भी जाएंगे ना तो आपको एक वीडियो मिलेगा कैसे करते हैं तो हम वीडियो के थ्रू लोगों को समझाते हैं जो मैंने आपको स्टेकिंग का एग्जाम्पल बताया कि आप इथेरियम पे ईल्ड कमा सकते हो आप प्लेटफॉर्म के अंदर अर्न पे जाएंगे तो आपको एक वीडियो आएगा उस पर आप सीख सकते हैं कि अच्छा कैसा तो और प्रोडक्ट बहुत सिंपल है नो जार्गन नो कॉम्प्लेक्सिटी वेरी सिंपल तो वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है बिकॉज मास अड इसी तरीके से आता है कॉम्प्लेक्स करके नहीं आता दूसरा सेफ्टी जो मैंने पूरा बताया सेफ्टी हमारे लिए जीरो और वन है क्योंकि हमें पता है अगर सेफ्टी में हमने इतना सा भी लूप किया तो हमारे लिए प्लेटफॉर्म जीरो राइट right? इसीलिए वो वो पूरा फुल ऑन फोकस और हाई इन्वेस्टमेंट और 24 फोर बाय सेवन अटेंशन रहता है हमारा और थर्ड जो अपन ने बात नहीं की कंप्लाइंस कंप्लाइंस भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है हमारी वर्किंग स्टाइल में आता है हमें एट कॉइन डी कोई बड़ा कस्टमर आता है बट हमें लगता है ये कंप्लाइन तरीके से नहीं कर रहा हम ऑन ही नहीं करते hmm. भले ही हमारा नुकसान हो जाए भले वो कहीं और ट्रेड करने लगे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज हमें अब लगता है कि ये इंडस्ट्री कंप्लाइंट तरीके से होना जरूरी है और ऑब्वियसली कंप्लाइंस कभी ईजी नहीं होता कस्टमर्स को कभी कभी रेस्ट्रिक्शन आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स कभी मांगते हैं ठीक है कस्टमर के लिए थोड़ा दो मिनट ज्यादा लगता है एक मिनट ज्यादा लगता है बट वो ओवरऑल इको को कंप्लाइंट बनाता है कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल है।, है कुछ लोगों को पसंद आता है कुछ लोगों को नहीं आता बट हमें लगता है कि हमें कंप्लाइंट तरीके से ही ऑपरेट करना है बिकॉज हमें लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना है आने वाले दस बीस तीस सालों में अगर कंप्लेन रहेगा इको सिस्टम ग्रो करेगा और हमारा माइंड पूरा उससे रहता है hmm. और कई बार ऐसा हुआ हमारा आता हुआ बिजनेस नहीं आता हमें कोई कोई फर्क नहीं पड़ता बट ऑलवेज थिंक कंप्लाइंस फर्स्ट एंड एवरी वन इन आर कंपनी बिहेव लाइक दैट बिलीव इन दैट एंड ऑपरेट्स लाइक दैट एंड दीज आर दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट डिफ्रेंशिएट्स क्वाइंडीसी फ्रॉम एनी ऑफ द अदर प्लेयर आप कभी कॉइन क्वाइंडीसीज के बारे में कभी ऐसी गलत चीजें नहीं सुनोगे मार्केट में टचवुड और क्योंकि हम लोग उस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म को रन करते हैं और काफ़ी प्रोफेशनली और काफ़ी सॉलिड टेकीज पीपल फ्रॉम स्टार्टअप इकोसिस्टम पीपल हैव बीन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री हुव लर्न दैट हु अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी वो लोग इस पर काम करते हैं तो काफ़ी पाँच सौ लोगों की कंपनी है फाइव हंड्रेड पीपल तो काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट किया है और uh, इसीलिए लोग हम पे भरोसा करते हैं अच्छा बीच में आपने दो वर्ड यूज़ किए थे एक तो कोल्ड वॉलेट और एक पेपर वॉलेट उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए तो कोल्ड वॉलेट बेसिकली एक पेन ड्राइव आता है पेन ड्राइव जैसा आता है लेजर डिवाइसेस होते हैं बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं तो जिन लोगों को लगता है कि हाँ मुझे अपने कस्टडी में मतलब मेरे पास बिटकॉइन रखना है तो वो कोल्ड वॉलेट में अपने बिटकॉइन रख सकते हैं बेसिकली आप अपने बिटकॉइन किसी भी एक्सचेंज से पर सेंड करके उसको आप संभाल के रखिए उसमें एक फ्रेज मिलता है फ्रेज अगर आपके पास वो है दैट मीनस आपके पास वो एक्सेस है हाँ, हाँ, बट अगर आपने वो खो दिया तो फिर कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता करके नहीं उस फ्रेज फ्रेज में दैट वो की होती है पासवर्ड होता है है ना पासवर्ड होता है आपके बैंक अकाउंट का जैसे पासवर्ड होता है ना सिमिलरली वो होता है और उसमें आप लोगों ने काफ़ी इनोवेशन कर रखे हैं उसमें भी मल्टी सेक् वॉलेट्स होते हैं कि आप मल्टीपल सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते हैं एक्सचेंज वो अलग अलग लेवल uh, पे डिटेल right? के लिए मोस्टली वो होता है और फिर अदरवाइज आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर अपना वॉलेट क्रिएट कर सकते हो और उस वॉलेट की कस्टडी आप पेंडेमिक uh, नहीं तो आप सीट फ्रेस संभाल के रखिए है ना वो आपको कहीं भी डालना है तो आप जैसे मान लो आप कोई वॉलेट यूज़ कर रहे हो उसमें आपको सीट फ्रेश डालो तो आपको फंड रिकवर हो लाइक आप एक्सेस कर सकते हो उसको Uh, तो काफी टेक्निक्स है बट वो है, ये ये चीजों में गलती करते हैं तो फंड चले जाते हैं तो गलती तो नहीं कर सकते आप हाँ, सकते। गलती मिस्टेक का वो नहीं है तो जो लोग बहुत सारे लोग नहीं समझ में आते जो बिगनर्स हैं तो वो क्या करते हैं वो चालू करते हैं और फिर धीरे धीरे मेच्योर बनते जाते हैं फिर पोर्टफोलियो बड़ा होता है फिर वॉलेट वगैरह में शिफ्ट करते हैं है ना क्योंकि अगर कोई अभी करना चाहता है ये तो क्या इंडिया में ये पॉसिबल है क्योंकि काफी सारे इंडियन एक्सचेंज में से विद्रॉ करना पॉसिबल नहीं है आप आई में ही विद्रॉ कर सकते हो तो दो तरीके होते हैं वन uh, इज uh, आप इन्वेस्ट कर सकते हो आई से दूसरा जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है बाय सेल करना है वो आई uh, से इन्वेस्ट कर सकते हैं बिटकॉइन खरीद सकते हैं बिटकॉइन बेच सकते हैं आई अपने अकाउंट में विद्रॉ कर सकते हैं ट्वेंटी फोर बाय सेवन चलता है वो है ना जो क्रिप्टो विड्रॉल होता है बेसिकली आपने अगर बिटकॉइन खरीदा आप वो करते हो उसमें काफी रेस्ट्रिक्शंस आती है वाई बिकॉज क्रिप्टो जो हाँ ट्रैक तो हमें बेसिकली जो मैं आपको कंप्लाइंस वाला बताया वी एज अ प्लेटफॉर्म हमें कंप्लाइंस uh, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी आर रजिस्टर्ड बाय एफआईयू तो उसमें क्या होता है ट्रैवल रूल होता है कि सोर्स कौन है बेनिफिशियरी कौन है कहाँ से बिटकॉइन भेजने वाला कौन है रिसीव करने वाला है वो सब इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और उसमें कई बार लोगों को पता नहीं होता दे सेंड इट टू अ इनकरेक्ट एड्रेस और एड्रेस और इलिसिट एड्रेस और जब वो होता है तो प्लेटफॉर्म पे रिस्क uh, बढ़ जाती है hmm. तो हम लोग क्रिप्टो क्रिप्टोवेड्रॉल देते हैं बट सिलेक्टेड जहाँ पे हमें बताए कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल कम है क्योंकि कई लोगों का क्या हमारे बहुत सारे टूल्स इंडिकेट हैं चार पांच टूल्स mm -hmm. जो कि हमें बताते हैं अच्छा ये एड्रेस ये रिस्क से आता है फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई कस्टमर हो जिसने समाहौ अकाउंट बना लिया और आप कोई गलत एड्रेस है जो कभी थेफ्ट हुआ है बिटकॉइन या कुछ वहाँ से आप लेके आते हो तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करते mm -hmm. हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज हमें वी वॉन्ट टू कीप द प्लेटफॉर्म वेरी क्लीन अच्छा दूसरा एक और बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के बीच में टैक्सेशन को लेकर तो इसको ज़रा आप क्लियर करेंगे देखो मैं आपको टैक्सेशन का पूरा बताता हूँ मार्केट में काफी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है थोड़ा हुँ. तो दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं एक होता है स्पॉट जो कि आपका कैश डिलीवरी टाइप चलता हुँ. है, हुँ. है ना और दूसरा होता है आपका डेरेवेटिव स्टेटिंग जो स्टॉक में भी चलता है स्पॉट उसकी बात करते हैं स्पॉट मार्केट के स्पॉट मार्केट में वेनएवर यू आर इन्वेस्टिंग जब भी आप किसी क्रिप्टो में एग्जांपल लेते हैं हुँ. आप एक लाख रुपए का कोई कस्टमर बिटकॉइन खरीदता है तो जब आप एक लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदते हैं तो उस टाइम पे कोई टैक्स नहीं लगता हुँ. है ना उससे काम वाली बात यह अगर आप बिटकॉइन बाय करके होल्ड करते हैं तो आपको टीडीएस का इम्पैक्ट नहीं होता है टीडीएस तो का इम्पैक्ट होता, होता है जब वो आप एक लाख रुपए का बिटकॉइन बेचते हैं okay. और इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक ऑफ एक लाख रुपए मतलब की हजार रुपए का टीडीएस डिटेक्ट होता है हुँ, जो हुँ. Platform करता है है और आपके पैन सारे सारे है, आपके सारे सारे को को, करते हैं, के corresponding वो एक हजार deposit हो जाता है, government को, तो जब आप फाइलिंग करते हैं टैक्स की तो आप वो क्लेम कर सकते हैं okay. है ना हुँ. वो क्लेम कर सकते हैं इससे रिफंडेबल टैक्स वन परसेंट बट इससे ट्रेसबिलिटी वगैरह रहती है कि अच्छा किस पैन कार्ड से कितने क्रिप्टो का बाइंड सेल हुआ लिए बेटर है सही तरीके से प्रॉपरली विथ फुल डिक्लेरेशन आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है है ना तो एक वो कॉम्पोनेंट हो गया टैक्स का दूसरा कॉम्पोनेंट है टैक्सेशन का कैपिटल गेंस ऑन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट तो अगर आप जब क्रिप्टो को बेचते हो लट से आपने एक लाख रुपए का बिटकॉइन खरी, खरी, खरीद एक लाख रुपए में बिटकॉइन खरीद एक लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदा है आपने एंड उसको आपने इन्वेस्ट किया प्राइस बढ़ गया अब वो एक लाख रुपए का बिटकॉइन आपका दो लाख रुपए का हो गया है तो जो आपको प्रॉफिट है

और जो दूसरा इन्वेस्टमेंट कर बिटकॉइन में आपने एक लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया दो लाख रुपए हो गया और इथेरियम पे आपने एक लाख रुपए का पचास हजार हुआ तो इन के आप सेट ऑफ नहीं कर सकते ये स्पॉट स्पॉट में में होता है बेसिकली डिलीवरी तो जिन लोगों को बाय करके होल्ड करना है सेल नहीं करना है या लंबे समय के लिए होल्ड करना है सालों तक रखना है उनके लिए स्पॉट एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है आप बाय करें होल्ड करें और जब कभी आपको बेचना है तब आप बेच सकते हो बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्पॉट Uh, एक बेटर प्रोडक्ट है बट बहुत सारे लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग भी करते हैं है ना काफ़ी लोग ट्रेडिंग भी करते हैं उनके लिए डेरेवेटिव एक प्रोडक्ट है जो कि वो यूज कर सकते हैं डेरेवेटि आप आई एन आर में भी कर सकते हो इंडियन रुपीज डिपॉजिट किया आई एर में आप derivative, derivative ट्रेडिंग कर सकते हो रिफ्लेक्ट भी कर... आई में होगा में हाँ जी आपका प्रॉफिट वगैरह पूरा आई एन आर में रिफ्लेक्ट होता है आपने आ, आ, जो भी प्रॉफिट आता है कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है वो आप आई में लेके बैंक में विड्रॉ कर सकते हो अगेन ट्वेंटी फोर मार्केट चलता है तो उसमें Derivative trading में उसका जो treatment होता है taxation का वो स्टॉक hmm. में जो होता है है hmm. है ना hmm. uh, similar treatment है. Stocks में जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है और क्रिप्टो में जो डेरेवेटिव ट्रेडिंग होती है उसको माना जाता है इनकम टैक्स फाइलिंग में

Og लोग कई बार ऐसा भी करते हैं इंटरेस्टिंगली कि उनको स्पॉट करना है तो डेरेवेटिव में फ्यूचर में लिया नहीं बट आपको टीडीएस उसमें हाँ, बहुत सारे ऐसे भी करते हैं बट एसेंशियली अलग अलग प्रोडक्ट बेसिकली उनके लिए बेटर है जिनको बार बार बाय सेल करना है और जिनको लेके होल्ड करना है आई थिंक स्पॉट सिंपल है लेकिन अगर आपको लेके छोड़ना है तो स्पॉट अच्छा और आपको अगर डेली ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप थोड़ा में कर बेटर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि स्टॉक मार्केट के टैक्सेशन टैक्सेशन कम टैक्स में नहीं आता है और चार्जेस वाइज भी कुछ फायदा है हां जी तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में तो भी काफी चार्जेस बढ़ चुके हैं अभी जो बजट आया है बट बेसिकली चार्जेस कम होते हैं तो बेसिकली फीस अह फीस ऑन लेट्स ऑन कोइ इंडेक्स का बताऊंगा मैं आपको ऑन मेकर एंड टेकर फीस अलग-अलग होती है मेकर फीस जीरो फीस मतलब जीरो से लेके ऑलमोस्ट टू पॉइंट फाइव बेसिस पॉइंट मतलब जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव परसेंट है ना आ, उतना स्लैब होता है ऑन मेकर डिपेंडिंग आप ज्यादा वॉल्यूम करते हैं तो आपकी फीस जीरो की तरफ जाती है कम होती हुँ. जाती है और टेकर है जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव परसेंट मेरे को जितना लगता है आई थिंक अगर आप नेट नेट देखेंगे ना एस टी टी वगैरह स्टॉक मार्केट में एस टी टी होता है जी एस टी होता है फिर आपकी जो फीस होती है मल्टीपल चार्जेस होते इंगे हैं, हैं है, हाँ वो सब तो नेट नेट देखेंगे जितना लोग बताते हैं अगर मैं आ, बहुत क्लोजली कंपेयर नहीं किया बट जितने कस्टमर्स बताते हैं वो क्रिप्टो में इसीलिए शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज इकोनॉमिक्स वाइज फीसिंग फीस वाइज दे फाइंड क्रिप्टो ट्रेडिंग मोर प्राइस एफिशियंट है ना? और इसमें ऑब्वियसली बहुत लोगों को वॉलीटिटी पसंद होती है कि हाँ मुझे वोले वोले तो अपॉर्चुनिटी तो, भी ज्यादा होती है हाँ तो लोगों को मतलब वो दो साल में दो दिन में मूवमेंट दिखेगा वो वहाँ पर उनको एक दिन में है तो अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं कस्टमर के कस्टमर प्रोफाइलिंग के हिसाब से कुछ कस्टमर को ज़्यादा मूवमेंट चाहिए कुछ कस्टमर को कम चाहिए तो सबसे क्रिप्टो सारे प्रोडक्ट्स ऑफर करता है मतलब जिनको चाहिए बट मेरा वही मानना है कि ट्रेडिंग उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जिनको समझ में आती है जिनको समझ में आती है जिनको जिनकी रिस्क एपिटाइट है ट्रेडिंग इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग अलग है क्रिप्टो मार्केट ट्रेडिंग अलग है स्टॉक मार्केट में एक किसी ने बात बोली थी मुझे काफी पसंद आई स्टॉक ट्रेडिंग इज लाइक प्लेइंग कैसीनो इन ऑलरेडी गेम बिकॉज़ लाइक अल्टीमेटली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट रेट एंड डिफरेंट मैक्रो फैक्टर्स तो अदर देन कंपनीज फंडामेंटल परफॉर्मेंस लाइक एट द एंड ऑफ इट अगर यूएस में कुछ होता है यूएस में रेट कट होता है तो पूरा मार्केट ग्लोबली Uh, okay. सब इंटरकनेक्टेड है ना है ना तो uh, वो है और क्रिप्टो में जनरली मैं इसलिए पर्सनली मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज एटलीस्ट जो कुछ भी हो रहा है तो वो डिसेंट्रलाइज uh, है है ट्रांसपेरेंट है. है, है तो ऐसा कोई सडन वो नहीं आएगा कि यार सडनली एक डिसीजन हो गया है बिटकॉइन इक्कीस मिलियन से 25 मिलियन से अप्लाई हो गई और मार्केट क्रैश कर गया वो सब चीज़ें थोड़ा बेटर कंफर्ट hmm. hmm. रहता है क्लैरिटी ज्यादा है ओपननेस ज्यादा है ओपननेस ज्यादा है ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एक्सचेंज पर हमें नहीं मिलते हैं तो अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो वह वो हम कहाँ पे कर सकते हैं सो uh, बेसिकली uh, so बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं है ना नए नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स uh. आते रहते हैं जो कि एक्सचेंज पर लिस्ट बाद में होते हैं है uh. ना तो ये प्रॉब्लम पहले होती थी एक साल डेढ़ साल पहले तो ये हमें पता था कि कस्टमर्स को चाहिए जैसे आ, 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 आई होते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं सिमिलरली नए प्रोजेक्ट्स भी आते हैं और हमारे कस्टमर्स ने फीडबैक दिया कि हमें वो एक्सेस चाहिए तो हमने उसमें एंड एंड वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज ग्लोबली जिन्होंने ये इनोवेशन किया है तो हम लोगों ने क्या है जो वेब थ्री होता है ना जो आप डी प्रोटोकॉल्स वगैरह आप एक्सेस करते हो जो लोग डेक्सिस पे जाके नए टोकन्स मिलते हैं हु� हमने उसको काफ़ी सिंपल करके जैसे मना था सिम्प्लिसिटी वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी जारगंज साफ हटा दिए और उस दुनिया को कंडीसिक्स ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है तो कोई भी प्रोजेक्ट है अगर वो क्रेडिबल प्रोजेक्ट है अगर वो जाना माना प्रोजेक्ट है अगर वो डिमांड में प्रोजेक्ट है और ऐसे हजारों आ, टोकन्स और जो भी आपको तो, आपको प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है नाइन्टी चांस आपको वो कॉइडीसिक्स में मिल जाएगा okay. तो हम लोग वो बेसिकली वो जो दुनिया है जहाँ पे नए प्रोजेक्ट पहले लिस्ट होते थे उसको अब ऐप के अंदर ला दिया है हमने आई थिंक तीन चार महीने पहले इंट्रोड्यूस किया है अच्छा अगर कोई नया इन्वेस्टर आता है तो उसे कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए क्रिप्टो स्पेस में क्योंकि काफ़ी सारी जो ऑडियंस अभी हमें देख रहे हैं ज़्यादातर लोग सब स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स हैं तो अगर वो अब क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं तो क्या किस नज़रिए से उन्हें स्टेप उनके लिए आपकी एडवाइस क्या होगी हाँ तो एक काम करते हैं मैं एक बताऊंगा फिर आप बताना बिकॉज आपने देख बोला देख था कि आप भी क्रिप्टो काफ़ी फॉलो करते हो तो पहली चीज़ तो जब भी कोई क्रिप्टो में आ रहा है है ना तो वो ये नजरिए से ना है कि यार यहाँ पेड एक्स करने आया हूँ या रातों रात अमीर बन जाऊंगा या फिर मेरे दोस्त ने तो करोड़पति बन चुका है मैं भी पचास हजार रुपए लगाऊंगा मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा एक साल के अंदर दो साल के अंदर ये नजरिए से आप बताओ दूसरों की सक्सेस देख के बताओ दूसरों की सक्सेस देख के बताओ बिकॉज वो बायस्ड होती है सौ लोग ट्रेड करते हैं उसमें से पैसा उतने लोग एक परसेंट दो परसेंट ही इतना रिटर्न कमा पाते हैं हर कोई नहीं कमा पाता तो उसमें रिस्क बहुत होती है और जो कमाता है वो सबको बताता है तो सब जो, जो नहीं कमाता है। वो किसी को नहीं, हाँ, किसी को वो नहीं बताता। वो जिसका प्रॉफिट होता है वो चिल्ला चिल्ला के बताता है है ना और जिसका लॉस होता है वो चपच बैठा रहता है तो ये हर मार्केट में मतलब स्टॉक मार्केट में भी सेम होता है है ना ये नहीं पता लोगों को कि कितने लोग नुकसान भी कर रहे हैं तो वो जरूरी है कि जब भी आप मार्केट में आओ किसी भी मार्केट में आओ और क्रिप्टो में पर्टिकुलरली बिकॉज वो नजरिए से मताना कि यार मैं तो हंड्रेड एक्स करें ओवर रातों रात में पैसा वाला बन जाऊंगा वो गलत है वो गलत है और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मतलब उस नजरिए से नहीं आना चाहिए वैसा नहीं होता है पेशेंट पेशेंस इज द की तो मार्केट में आओ सोच समझ के अच्छे परस्पेक्टिव से पेशेंस के साथ मार्केट में आओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो अगर आप इन्वेस्टर हो और ट्रेडर हो तो समझदारी से ट्रेड करो बहुत ज्यादा ये मत करो कि अरे ये तो मैं डाल दूंगा ये फाइव हो जाएगा टेन हो जाएगा बहुत लोग करते हैं तो बट वो नहीं करना चाहिए तो ये मेरा राय अब आपकी बारी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि क्या होता है क्रिप्टो में जब हम रिटर्न कमाते हैं तो एकदम से इतना लाना चाहता है कि सौ रुपये आपने डाल के पाँच सौ रुपये कर लिया ना आपको तुरंत लाना चाहेगा कि मेरे पास जितना बैंक में पैसा पड़ा है सारा मैं डाल के इन्वेस्ट कर दूं या ट्रेड कर दूं तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है याद रखना है कि क्रिप्टो में वही पैसा हम यूज करें जो हमारे लिए डिस्पोजेबल है ऐसा नहीं कि हम वो पैसा यूज करें जिससे फिर आगे जाके हमारी लाइफ में इशू आए बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनसे बात हुई है जो Uh, कई बार क्या करते हैं अपनी फीस का पैसा ट्रेड कर दिया और फिर गलती से अगर लॉस हो गया तो फिर कुछ आपको दिक्कत आ रही है या आपका ऐसा पैसा जो आपको रिक्वायर्ड था आप वही पैसे को यूज़ करें जिसपे आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं और फिर उसको आप ग्रो करें जब वो ग्रो हो तो आपके पास ऑटोमेटिकली ज़्यादा पैसा होगा इन्वेस्ट करने के लिए आप इस तरह से ना देखें कि एक कॉइन में या एक किसी टोकन में, में मेरा अच्छा रिटर्न बन गया तो इमीडिएटली मैं किसी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में बहुत सारा पैसा डाल दूँ जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता लूज़ करना मुझे लगा था पहले आप कहोगे कि कॉइन डी इंस्टॉल करना चाहिए <laughs> <laughs> नहीं, नहीं तो वो ऑब्वियसली मतलब जितने लोग भी इंडिया में क्रिप्टो में करते हैं आई थिंक सेफ्टी की वजह से हुँ. है ना वो है तो कॉइन डी सिक्स इज द ट्रस्टेड ब्रांड इन द कंट्री तो बिल्कुल यूज़ करो कॉइन डी सी और इंस्टॉल करो एक बार और दूसरी चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है ना वो कोई नए जो इन्वेस्टर है कोई नया हुँ. जो यूज़र है उसको वो गाइड करता है जर्नी में कोच मार्कर्स आते हैं समझाता है कि अच्छा यहाँ पे आप ये कर सकते हो तो कोई नए यूजर के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता वो प्लेटफॉर्म उनको हैंडहोल्ड करता है गाइड करता है आ, वीडियोस मिलेंगे आपको बीच बीच में कि अच्छा यहां पे ये यह कर सकते हो ये प्रोडक्ट का ये वैल्यू है बिटकॉइन में आप जाओगे तो बिटकॉइन में आपको पूरा डेटा मिलेगा अगर आप ऐप इंस्टॉल करके बिटकॉइन के डिटेल में जाओगे ना इन्फॉर्मेशन में तो आपको पता चलेगा और रुपीज में भी दिखेगा नॉर्मली जो प्लेटफॉर्म होते हैं ग्लोबल में डॉलर डॉलर में दिखता डॉलर, है बट लोगों को नहीं समझ में आता डॉलर में कौन कन्वर्जन रेट लगाए तो वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन रुपीज में भी दिखता है कितना सर्कुलेटिंग सप्लाई है कितना हाई है गया है कितना लो गया है वन डे वन वीक वन ईयर चार्ट्स दिखते हैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स दिखते हैं आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हो है ना होल्डिंग कितनी है वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो भी बेस्ट डेटा पॉइंट्स होते हैं आ, आ, वो सब दिखाते हैं आप उसमें SIP कर सकते हो okay. उसी अगर आपने एस आई पी किया होता है सौ रुपए हर हफ्ते तो कितना रिटर्न होता हाँ। तो वो सारी चीजें ना प्लेटफॉर्म गाइड करता है कि कोई नया जो बिगनर है उसको दिक्कत ना आए सिंप्लिसिटी राइट तो वो प्लेटफॉर्म आई थिंक इसीलिए मतलब फॉर दिस रीजन इट्स अ गुड आंसर थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट इंस्टॉल करके आप देख सकते हो मैं इसके अलावा एक और बताना चाहूंगा जो गलती मैंने भी की है हम क्या करते हैं ना इन्वेस्ट करते वक्त अगर कोई भी नया इन्वेस्टर आता है वो फ्यूचर रिटर्न को देखकर इन्वेस्ट करने लगता है तो मेरे ख्याल से फ्यूचर रिटर्न्स को देखते हुए कि past अगर मैं इस हाँ सॉरी पास्ट पास्ट रिटर्न्स को देखते हुए इन्वेस्ट करता है कि अगर मैं इस इसमें डाल देता तो ये हंड्रेड एक्स हो जाता तो मेरा ये इतना बन जाता तो चलो अब मैं डाल देता हूं उसी तरह के वो नहीं करना चाहिए दूसरा मैं फ्यूचर रिटर्न इसलिए कर रहा था कि ये जो नए नए क्वाइंस होते हैं ना हाँ। उनके बारे में काफी सारे लोग प्रोजेक्शन आते है, हैं है कि ये हो जाएगा, हो जाएगा उसमें वो हो जाएगा दस एक्स हो जाएगा हंड्रेड एक्स हो जाएगा ये सारी चीजें होती है वो नहीं देखना चाहिए प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए अपनी रिस्क को जो है समझना चाहिए और मुझे लगता है कि अगर आप शुरू कर रहे हो तो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में जाना चाहिए जिनके मार्केट कैपे ब्लू चिप होता है ना, हाँ। uh, किस तरह से वर्क करता है वो समझो और फिर खुद का रिसर्च करके पढ़ो रिसर्च करो नए क्वेंस आइडेंटिफाई करो फिर अगर आप चाहो तो उनमें लगा सकते हो बट शुरुआत में ही उस तरह के छोटे क्वेंस जो एक दिन में गायब हो सकते हैं क्योंकि ये सारी चीजें मैंने तो देखी है मैं आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ एक टोकन आया था 2017 18 के आसपास एक टोकन आया था टाइटेनियम करके और ये एक ऐसी चेन बना रहा था जो इंटरनेट के ऊपर जो स्कैम्स वगैरह होते उसमें से प्रोटेक्ट करेगी इस तरह का उसका प्रोजेक्शन था उस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट अपना बनाया था और उसमें नीचे उन्होंने दिखाया था कि माइक्रोसॉफ्ट हम में इन्वेस्ट कर रहा है गूगल हम में इन्वेस्ट कर रहा है ये सारी चीज़ें सब गलत हो और वो बस दो तीन हफ्ते बाद और वो कॉइन कुछ ट्वेंटी सेंट का वगैरह लिस्ट हुआ था वो एक दो हफ्ते में चार डॉलर का बन गया मैंने बीच में डाला उसमें पैसे दो ढाई डॉलर का था बीच में डाला वो पांच डॉलर का गया उसके बाद अचानक से न्यूज आई कि जो फाउंडर था वो अरेस्ट हो गया है ये कोई भी इन्वेस्टर जो थे नहीं कोई नहीं थे सारा फेक था और पैसा पूरा चला इसीलिए है। बोलते हैं कि रिसर्च करना चाहिए अब लोग क्या जल्दीबाजी में रहते हैं ना हबड़ी मड़ी तो ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है कभी फोमो में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और जो मेरे को मैं तो एक सिंपल रूल है जब कोई बोले ना कि यार ये हंड्रेड एक्स हो रहा है 100, 50x जा रहा है तो मैं दूर भागता हूँ जब भी वैन जब भी कोई ऐसी ना टू टू गुड बी ट्रू यार ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता ये कैसे इतना रिटर्न दे रहा है जब भी कोई ज्यादा रिटर्न दिखाएगा ना ये बहुत जल्दी जल्दी पैसा बन रहा है तो उसको थोड़ा संभल के रहो और मैं तो मानता हूँ यार पैसा बनाना आसान नहीं होता आसान नहीं होता मेहनत लगती मेहनत तो जब भी आपको लगे यार ये तो तो आसानी आसान से पैसा बना हाँ, तो exactly. थोड़ा ऐसा एक और प्रोजेक्ट बताता हूँ इलेक्ट्रॉनियम करके एक प्रोजेक्ट था हाँ, अगेन टू था।, था।, था और वो क्या होता था कि मोबाइल उनका पूरा वही था कि ये मोबाइल से माइन हो जाएगा मतलब इस तरह के उन्होंने प्रोजेक्शन दिखाए थे कि मोबाइल से माइनिंग होना शुरू हो जाएगा अफ्रीका में लोग इससे पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे पूरा चेंज कर देंगे हम और जिस तरह के सपने दिखाए जा रहे थे उसके बाद

तो उसमें रिस्क बहुत कम होती है और कुछ तो रीजन है कि वो वहां तक पहुंचे कुछ तो रीजन है वहां तक तो बाकी देख सकते हो बट थोड़ा स्टार्टिंग आप रिस्क नहीं लेना चाहिए स्टार्टिंग में सीख रहे हो ना आप hmm. आप थोड़ा आ, सीख रहे हो मार्केट को सीखो समझो पढ़ो उसके बारे में धीरे धीरे एक्सपीरियंस लो सडनली थोड़ा ना फ्लाइट में बैठ के आप प्लेन उड़ाने लग जाओगे <laughs> पहले आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस लोगे ना तो मेरे को लगता है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बोली कि आ, जो ब्लू चिप होता है ऐसे लार्ज कैप्स होते हैं बिटकॉइन hmm. में आप कॉइन मार्केट गेट कैप डॉट कॉम वेबसाइट है उसमें आप जाओगे आपको सारे ऑर्डर में आपको सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे उस पर जाओ वेबसाइट पर जाओ पढ़ो कि अच्छा क्या है सप्लाई देखो कि कितनी है उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करो डिस्ट्रीब्यूशन कितना है वो सारे टोकन्स एक ही बंदा या सौ एड्रेसेस होल्ड करते हैं या फिर एक लाख शेयर होल्डर्स हैं उसके जितने ज्यादा उसके टोकन होल्डर्स हैं उतना ज्यादा बेटर है उतना डिसेंट्रलाइज है जैसे बिटकॉइन सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर क्रिप्टो एसेट है है ना तो वो सब जरूरी है जानना मैं आपने बहुत बहुत अच्छी चीज़ बोली कि क्योंकि नए लोग क्या जल्दीबाजी में रहते हैं कि अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा मैं डाल देता हूँ एक लाख रुपये डाल दूंगा सौ गुना हो गया तो एक ये सब नहीं होता है ना तो जरूरी है लोगों को समझना वो चीज़ शुरुआत में मैंने जो कहा था ना कॉइन डी को डाउनलोड कर रहा ऐसे मुझे लगा था मैं उसका भी एक बताता हूँ सही एक्सचेंज चूज़ करना ना क्यों इम्पॉर्टेंट है अब ये छोटे छोटे जो कॉइन होते हैं ना आपको रैंडम एक्सचेंज पर भेजने पड़ते ये मेरे साथ हो चुका है एक ऐसा ही प्रोजेक्ट था एक रैंडम एक्सचेंज अब उसकी बाइंग सेलिंग खत्म हो चुकी थी और उसके बाद थोड़ा बहुत उसमें मिल रहा था मुझे सौ डॉलर वगैरह उससे बचे हुए थे पूरे उड़ गए थे सौ डॉलर बचे हुए थे उसमें से तो मैंने देखा कहाँ पे ट्रेड हो रहा है तो एक रैंडम एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा था उस पर मैंने भेज दिया वो भेज मतलब मैं तो भूल ही चुका सीख रहा था ना यही गलतियां करके तो सीख रहे तो वहां पर भेज दिया मैंने अच्छा वो सेल भी हो गए वहां पर अब मैं यूएसडीटी टी विड्रॉ करना चाह रहा हूं तो वो बोल रहा है एक सौ पच्चीस डॉलर तो आपको यूएसडी टी विड्रॉ करने के अलग से भरने पड़ेंगे हाँ। तो इसीलिए सही एक्सचेंज भी चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंडियंस वाले लोगों के लिए क्या आई एनआर डिपॉजट करना जरूरी है तो आप आई डिपॉजिट कर पा रहे हो हमने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि आप इंडियन रुपी से डिपॉजिट करो ट्वेंटी फोर बाई सेवन आप विड्रॉ करो ट्वेंटी फोर बाई से प्राइजिंग का, आ, मतलब ये जो आप एक चीज है नहीं लगता है आपको कहीं भेजनी नहीं है प्लेटफॉर्म पर दूसरे में राइट सिंपल एक फीस लगती है जब आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो और दूसरा आप इल्ड भी कमा सकते हो अब बहुत सारे लोग जो बिटकॉइन रखे हैं ये इथेरियम रखे हैं उस उसमें कुछ इल्ड नहीं कमाते अरे भाई चार परसेंट आप एडिशनल कमा सकते हो मेरा एक

बट कमिंग बैक टू द पॉइंट आई थिंक एक दो चीजें और हैं जो जरूरी है लोगों को समझाना सिखाना कि क्या चीज़ों से बच के रहना चाहिए एक पहले काफी होता था अब तो लोग समझ रहे हैं कि लोग जो सस्ते कॉइन्स होते हैं ना हाँ। सस्ते कॉइन्स होते हैं जैसे मान लो कोई एक नया एक सेट का या जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन डॉर कि यार मैं दस हजार रुपये का डालूंगा मेरे को एक मिलियन कॉइंस मिलेंगे और कल को ये बिटकॉइन के बराबर हो जाएगा मैंने कहा था ये नहीं होता है प्राइस ये थोड़ा ना होता है कि शेयर मार्केट में सत्रह सौ रुपए का शेयर है वर्सेस तीन रुपए का शेयर है तो तीन रुपए वाला सत्रह सौ रुपए पहुंचेगा सप्लाई पर डिपेंड करता है कंपनी से कितने उस पर डिपेंड करता है सिमिलरली मैंने बोला था ना क्रिप्टो में और स्टॉक मार्केट में बहुत सिमिलैरिटीज है बहुत सिमिलैरिटीज हैं और आप दो घंटे देखोगे आपको समझ में जाएगा वो शेयर्स हैं ये टोकन है है ना तो वो सब चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए कि आप प्राइस पे मत जाओ और ये तो गलती बिल्कुल मत करना कि सस्ता है इसका मतलब ये बहुत भागेगा तो जाएगा। है ना और लोग बोलेंगे आपको कि अरे ये एक डॉलर का हो जाएगा अभी तो एक सेंट का है तो आप, आप देखना कि एक डॉलर आने पे उसका मार्केट कैप कितना हो रहा है ऐसा ना हो कि वो अनरियलिस्टिक ही हो है ना होना ही ज्यादा नहीं <laughs> गटकोइन <गलता laughs> से ज्यादा ऐसे नहीं होता राइट तो ये काफ़ी बेसिक कैलकुलेशन है आ, कोई भी दिमाग लगाएगा तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है बट ये जरूरी है लोगों को जानना बिकॉज कस्टमर्स को ये गलतियां नहीं करें ये अपना काम है आ, बताना समझाना बेसिकली कॉमन सेंस को यूज करो अपने इतना कोई वो नहीं है मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब काफ़ी सिमिलर है और अब तो मैं नए लोग देखता हूँ आजकल जनरेशन इतनी स्मार्ट हो चुकी है कि मतलब वो फटाफट पिक करते हैं बट ये मेरी साइड से अच्छा। एक चीज़ मैं इस पर ऐड करना चाहूँगा कि एक तो उस टोकन के पीछे कभी मत जाओ जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है क्योंकि जब दुनिया बात कर रही होती है ना तो ट्रेंड खत्म हो चुका होता है मोस्टली दूसरी चीज कि होता क्या है ना हम एक टोकन खरीदते हैं दस दिन नहीं चला पंद्रह दिन नहीं चला अरे वो टोकन बीस परसेंट चल गया इससे पैसा निकाल के उसमें डाल देता हूँ फिर वो रुक गया चलना फिर ये चल गया

मैं ब्लॉकचेन पे जितनी भी एक्टिविटी हो रही है टॉन एक नई चेन आई है टेलीग्रामी ओपन नेटवर्क हाँ। है ना उस पर जो भी एक्टिविटी हो रही है सब पब्लिकली दिखती है तो वो फंडामेंटल्स है

पंद्रह दिन बीस दिन देखते हैं बट उससे आप समय से आगे रहते हो बिकॉज इफ अगर दुनिया उस तरफ जा रही है तो आपको एटलीस्ट एज चाहिए ना तो ये सारे वेबसाइट्स सा वगैरह हैं प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको डेटा रियल टाइम में पूरा दिखाते हैं अच्छा अगर सुलाना पे एक्टिविटी बढ़ रही है तो ऐसा नहीं कि मुझे क्वार्टरली फाइनेंशियल का वेट करना है मैं आज देख सकता हूँ लाइव दिखता है है ना तो ये सारी चीजें फंडामेंटल्स भी होते हैं टेक्निकल अपन ने देख लिया वही चार्ट्स होते हैं जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस वही होता है वही मूविंग एवरेजेस होते हैं लॉजिक सेम ही है लॉजिक सेम है तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है अब बताओ कि इस रन के आपके टॉप फाइव कौन कौन से? अरे मैं ये सब नहीं बताता मैं। यही बताना यही लोग जानना चाहते हैं। <laughs> देखो मेरा ये है कि अगर आपको चालू कर रहे हो आप तो जो टॉप एसेट्स हैं जो अदर देन स्टेबल का लोग बोलते हैं यार मैंने यूएसडीटी में पैसा डाला साला एक साल का बड़ी नहीं रहा बड़ी नहीं रहा है <laughs> बढ़ी नहीं रहा जरूरी कि किस में पैसा डाला पता तो चले भाई यूएसडीटी क्या होता है राइट या यूएसडीसी क्या होता है तो टॉप फाइव में वो भी आते हैं <laughs> तो हा, जो है, हाँ जो टॉप फाइव एसेट्स हैं अदर देन स्टेबल कॉइन्स वो सब काफ़ी प्रॉमिस लगते हैं और आप देखो कॉइन मार्केट कैप जो मैंने आपको बताया कॉइन गेको है डी फाइल लामा है बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी uh, वहाँ पे और या फिर आप कॉइन डी ऐप के अंदर भी सारी इन्फॉर्मेशन हम दिखाते हैं है ना कि uh, कौन सा रैंक क्या है किस कॉइन की तो आप उसमें टॉप वन टू आप थ्री फाइव देख सकते हो सारी चीज़ें तो उसमें से आप देखो शॉर्ट करो आपको लगे उसमें नीचे इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा तो जब आप उस पर जाओगे ना तो वो करता क्या है वो दिखता है उसके नीचे एक वीडियो भी आएगी दो मिनट वीडियो कि अच्छा बिटकॉइन के बारे में डिस्क्रिप्शन क्या है तो क्योंकि लोग पढ़ना नहीं पसंद करते कई बार आजकलों को वीडियो में देखना है जैसे <laughs> अपना पॉडकास्ट चल रहा है तो वो सब लोगों ने ऐप के अंदर ही डाल रखा है तो लोग वो देख के और जो भी आपके ब्लू चिप है जैसे ब्लू चिप की जगह लार्ज कैप्स हैं है ना क्रिप्टो में वहाँ पे आप चालू कर सकते हो मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं बताऊँगा वही जानना था <laughs> मैं शुरुआत से वही ट्राई कर रहा हूँ आप बता नहीं रहे हो ठीक है अच्छा आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि अगर इस पॉडकास्ट को मोदी जी देख रहे हैं तो क्रिप्टो कम्युनिटी की तरफ से आप उनको क्या कहना चाहोगे तो और मुझे ही? तो लगता है देख ही रहे हो अच्छा रहे आपको लगता है <laughs> <laughs> हम्म देखिए दुनिया चेंज हो रही है हमने उसे चालू किया था दुनिया चेंज हो रही है नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आजकल लोग नई नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ए, -ए, ए की बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन चेन भी आ, एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं मिथ्स हैं इसके अराउंड एंड लोग बोलते हैं कि अंडरलाइन क्या है क्रिप्टो का ब्लॉक से क्या लेना देना है ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेल नोन फैक्ट्स कि ब्लॉक चेन जैसे चलती है क्रिप्टो उसका इंसेंटिव hmm. होगा तो ब्लॉकचेन चलेगी चलेगी नहीं hmm. अगर क्रिप्टो नहीं होगा तो ब्लॉकचेन के ऊपर वो जो ब्लॉक है वो ऐड कौन करेगा बिटकॉइन right. में जो ब्लॉक ऐड करने वाले होते हैं वो माइनर्स होते हैं जिनको बिटकॉइन hmm. माइन होता मिलते. है तो ब्लॉक अगर आप बोल रहे हो और उसमें अगर इंसेंटिव मेकेजम नहीं है विच एसेंशियली इज द टोकन टोकनइजन इंसेंटिव पीपल कॉल एस क्रिप्टो तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी टाइटली रिलेट होती हैं एंड uh, ब्लॉक चेन का सब मानते हैं कि हाँ बहुत अच्छा पोटेंशियल है राइट तो जैसे जैसे ब्लॉक चेन का अडॉप्शन आएगा क्रिप्टो टेक्नोलॉजी काफ़ी मेन स्ट्रीम होती जाएगी hmm. दुनिया दूसरे देशों में हो रही है uh, मेरा सपना है कि इंडिया में भी अडोप्शन uh, वेब थ्री का क्रिप्टो का हो और कॉइडी uh, सिक्स की एज अ प्लेटफॉर्म और हमारी पूरी टीम और एज अ मिशन हमारा ये है कि यार वेब थ्री का ऑडॉप्शन इंडिया में लेके आना है और अडोप्शन ही नहीं इंडिया को नंबर वन बनाना है वेब थ्री अडोप्शन में और उसके लिए हम लोग काम करते हैं वो काफी लंबा उसमें लगेगा टाइम पांच साल दस साल जितना टाइम लगेगा उतना देंगे बट जब वो होगा तो ये नहीं कोई नहीं बोल पाएगा अच्छा इंटरनेट जब आया था ना तो इंटरनेट में सारे गूगल फेसबुक एमेजॉन कोई इंडिया से कंपनी है नहीं है ना पीछे रह गए रेस में अब वापस से इंटरनेट का रिबर्थ हो रहा है ऑन यहाँ पे पीछे नहीं रहना चाहिए दुनिया आगे बढ़ रही है इस बार पीछे नहीं होना चाहिए तो इस टेक्नोलॉजी को जो भी उसके अराउंड गार्ड रिल्स बने रेगुलेशंस हों ताकि कस्टमर्स आम जनता प्रोटेक्टेड रहे रेगुलेशन से उसी लिये होते हैं राइट ताकि कस्टमर्स प्रोटेक्ट रहें उसको मद्देनजर रखते हुए उसको देखते हुए टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए और सपोर्ट किया जाए इंडिया के जो डेवलपर्स हैं इंडिया में सबसे ज्यादा डेवलपर्स हैं बाय द वे ब्लॉकचेन के सबसे ज्यादा ज़्यादा डेवलपर्स हैं है ना उनको बढ़ावा दिया जाए नए जॉब्स आएंगे नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी इंडियंस लोगों का फायदा होगा और आने वाले टाइम में हम देखना चाहेंगे कि इंडिया जैसे इंटरनेट में तो नहीं कर पाए बड़ी बड़ी कंपनीज बट बड़ अगली अमेजॉन फेसबुक गूगल जो वेब थ्री में आएंगी वो इंडिया से आए अगर वैसा होगा तो मतलब मैं तो बोलूंगा कि हाँ सुपर पावर बन, 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 बन जाएगा और आ, हो सकता है और उसमें फिर जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा तो दस साल बाद जब कभी ऐसा होगा तो हम लोग भी मिलके मुड़ के देखेंगे कि हाँ मतलब कुछ काम ऐसा किया है जो देश के देश को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं और ये काम आई थिंक हम लोग अपनी साइड से मेहनत कर रहे हैं बट अगर सब लोग इसमें साथ देंगे तो ये काम और जल्दी होगा अभी कुछ ही लोग हैं जो इस पर मेहनत करे जाने लगे हुए हैं बट किसी न किसी को तो करना पड़ेगा तो वो ये कि मतलब जितना लोग पढ़ेंगे साथ में रहेंगे और सपोर्ट करेंगे सही मायने में है ना नॉट इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग वो सब ठीक है बट एज अ इंडस्ट्री एज अ टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेंगे उतना इंडिया के बढ़ने के चांसेस और इंडिया में वेब थ्री जो कि सब लोग मानते हैं द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट राइट एंड क्रिप्टो इज द एसेट क्लास ऑफ द फ्यूचर वो सब हम लोग उतना जल्दी देख पाएंगे बिकॉज टाइम उतना ही होता है अब ये गाड़ी भी निकल गई फिर कोई दूसरी टेक्नोलॉजी आएगी पता नहीं ना मतलब मेरे को तो तो हाँ, कब आएगी मुझे तो ये जो है सामने उसका सामने है। उसको लेवरेज कर सारी चीजें अभी कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं कि आपके यूथ सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा बड़ा हुआ है डेवलपर्स डेवलपर्स हैं बस अब हमें जो है इकोसिस्टम ऐसा बनाना है कि ये सारे एक साथ आकर अच्छा काम कर इनफैक्ट इंडिया की सुपर पावर क्या है इंडिया की सुपर पावर उसकी टेक स्ट्रेंथ बिल्कुल है।, हाँ। है ना इंडिया एक्सपोर्ट करता है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में और ये पूरी इंडस्ट्री ब्लॉकचेन इंडस्ट्री क्या टेक्नोलॉजी तो है तो अगर हमने इस टेक्नोलॉजी को अभी यूज नहीं किया तो कब करेंगे <laughs> राइट ये हमारी सुपर पावर है तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है इंडिया का और ब्लॉक टेक्नोलॉजी का ये कॉम्बिनेशन मुझे तो कभी नहीं इसीलिए मैं एक्साइटेड होता हूँ कि यार ये इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करा जा सकता है और इंडिया को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकते लेके जाया जा सकता है तो वो एक मिशन है जिसके पीछे हम लोग काम करते रहते हैं और अगर ये होगा तो ओवरऑल सोसाइटी ओपन बनेगी ट्रांसपेरेंट बनेगी है ना और बेटर रहेगा फाइनेंशियल सिस्टम जब चेन बनेंगे ट्रांसपेरेंट बनेंगे तो uh, मेरे को लगता है दैट इज़ अ बेटर वर्ल्ड टू लिव इन एंड बस वही उम्मीद है बाकी कॉइन का आई कब ला रहे हैं आप कॉन्डीसी का आई <laughs> 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 देखते हैं आजकल तो आई में काफ़ी फ्रेंडली uh, चल रही है स्टॉक मार्केट में बट हाँ देखो uh, पहले बहुत सादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमें आईपीओ वगैरह वो सब दिमाग में नहीं आता पहले ऑन ग्राउंड कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इंडस्ट्री के लिए अच्छा काम करना है रेगुलेशन वगैरह करवाना है उसके लिए लोगों को हजार दस हज़ार लाखों लोगों को एजुकेट करना पड़े ऑलरेडी हम लोग एक्चुअली फोर्टी फोर लोगों को एजुकेट कर चुके हैं ऑनलाइन इसके बारे में फोर्टी मिलियन मजाक नहीं होता राइट तो काफ़ी लंबी जर्नी अभी तो साढ़े साल ही हुए हैं और करते रहेंगे पहले वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करना है एक बार वो सब हो गया तो आई भी आएगा और आई पी ओ बम्पर आई पी ओ भी आएगा चलिए हमारी तो पूरी शुभकामनाएं आपके आईपीओ के लिए अच्छा अभी से <laughs> थैंक यू थैंक यू, यू सो मच आप यहाँ पे आए काफी सारी पुरानी यादें जो है वो ताजा हो गई आपसे बात करते हुए थैंक यू so so थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो